السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبة أمورنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. वजअाल मिला सुल्तान नसीरा सुन अलाही दर क़ुरान मौजू है इस सिलसिला मुबास के लिए सुन अलाही से मुराद वो कवानी और कवायद असूल तरीक़ रास्ते या रवशें हैं जो अल्लाह तज़ाम कायन के लिए मुक़र फरमाए हैं जिनके मुताबिक कायनात की तश्कील व तख्लीक़ हुई है और जिनके मुताबिक तदबीर कायनात निज़ाम कायनात हो रहा है और इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इंसानी हयात के लिए इंसानी हिदायत के लिए भी सुनन मुकरर किए हैं यही उसूल रास्ते और रवशें तमाम इंसानियत के लिए अवलिन से लेकर आखिरी इंसान तक हयात इंसानी के लिए ये रास्ते मुकर फरमाए हैं और इंसान के लिए जो रास्ते हैं उनकी ख़ूसियत यह है कि उसमें इंसान की आज़ादी और इंसान की ख़ुद मुख़्तारी मल रखी गई है इसलिए हर मौजू पे और हर मौके के लिए और हर पहलू से एक से ज़्यादा रास्ते इंसान के लिए मुकर किए गए हैं लेकिन वो सारे रास्ते अंज़ाम के लिहाज से यकसान नहीं हैं कुछ रास्ते इंसान की निजात के लिए हैं कुछ रास्ते इंसान की शादत के लिए हैं इंसान के तकाम के लिए हैं इंसान की रफा और फलाह के लिए हैं और कुछ रास्ते इंसान की हलाकत के लिए हैं इंसान की तबाही के लिए हैं इन राहों में ख़ुदा वंद तबारक वाली ने इंसान को बाखतीयार करार दिया है इंसान को इन राहों के मुतालिक आगाही भी दे दी है और इनकी हदूद और अहकाम भी बता दिए हैं इन राहों पर चलने के आदाब क्या हैं और ये भी मुतवजह कर दिया है कि इन इलाही रवशों और रास्तों में कोई तब्दीली नहीं है तहवील नहीं है रद्द बदल इन में नहीं हो सकता ये जिस तरह से अल्लाह ताला ने बना दिए हैं तमाम नस्लों के लिए इंसान की हर नस्ल के लिए एक जैसे हैं नतीजा भी इनका एक जैसा होगा हर चंद इंसानी ज़िंदगी में ऊँच नीच है इंसान ज़िंदगी के वसाइल के लिहाज से तरक्की भी करेगा और जवाल भी करेगा मुख्तलिफ़ इंसानी ज़िंदगी को नशेब फराज़ मिलेंगे लेकिन हर दौर में खा तरक्फ्तः इंसान हो या इब्तदाई इंसान हो उसके वसाइल ज़िंदगी इब्तदाई नौत के हों या तरक् याफ्ता हों हर दो सूरतों में वो कवानी यकसान तौर पर इंसान के लिए हैं मौजूद हैं और उन्हीं के मुताबिक हर नस्ल को चलना है खा जवाल का रास्ता तय करना है अजाब का रास्ता तय करना है तो भी इन्हीं मुकर रहों के ऊपर होगा और अगर इंसान ने पस्ती का रास्ता तय करना है तो भी इन्हीं मुकर रास्तों से मुमकिन होगा इन सुनन का जिक्र क़ुरान करीम में खसूसियत के साथ किया गया है लेकिन मरहल दिन शनासी में मार्फत दीनी में और मार्फत क़रआन में शनाख़त क़ुरान में इस मरहले को नजरअंदाज किया गया है और ज़्यादा तोज्जो दीन शनासों की अहकाम वहदूद के ऊपर मरकूज़ रही है सुनन का मौजू मद गफलत रहा है हत तफास में भी क़र करीम की तफासिर में भी बहुत मुख्तसर इशारे हैं और इस मौजू को जिस तरह फ़िकी अहकाम खोले गए हैं और जिस तरह से शर् हदूद के ऊपर तफसीलीस की गई है और आज हमारे पास एक बहुत बड़ा इलमी ज़ख़ीरा है मख्त मजाहब और के मबानी के मुताबिक फ़िर इलम का और शर्काम का इतना मवाद हमारे पास सुनन के भाव में मौजूद नहीं है बल्कि उसका उशरे अशीर भी नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है जबकि असास व बुनियाद इंसान की हिदायत के लिए जो कुरान ने पेश की है वो मौजू सुनन है सुनन को अल्लाह ताला ने तरन करीम में चंद उसलूब के साथ बयान फरमाया है एक तो वो आयात हैं कुल्ली जिनके अंदर इस मौजू की तरफ तोज्जो दिलाई गई है कि इस तरह की सुनन हैं। वही आयात जिन्हें हमने इस माह मुबारक रमदान में मुलाज़ा किया है और उनकी तरफ इशारा किया है जिनमें से आखिरी आयत सूर्य मुबारक फ़तः की है जिसमें बाँस जारी है हमारी दूसरे आयात वो हैं जिनके अंदर बाकायदा इन सुनन का ज़िक्र है यानी लफ्ज सुन्नत इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन वो कायदा वो क़ानून और रवश और तरीका ज़िक्र कर दिया गया है मुख्तलिफ इंसानी हयात के पहलुओं के मद्द नज़र उसे बतौर सुन्नत बयान कर दिया गया है कि ये सुन्नत है हमारी और इस तरह से ये काम होता है जैसे इज्जत के रास्ते जिल्लत के रास्ते कामयाबी के रास्ते फलाह के रास्ते और इसी तरह गुमराही के रास्ते हिदायत के रास्ते जहनुम के रास्ते जहन जन्नत के रास्ते ये सब कुछ बहुत तफस के साथ अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है और कुछ ऐसी सुनन हैं जिन्हें इस वजाहत के साथ और सराहत के साथ ज़िक्र नहीं किया गया बल्कि उनके समझने के लिए हमें गुजतः अव की तरफ रजू करने को कहा गया है और दीगर माशरे जो मुख्तल अनजाम से दोचार हुए हैं कुछ जवाल पजीर हुए हैं कुछ पे आज़ाब नाजिल हुआ है कुछ बहुत अजमत व शकु तक पहुँचे थे उन सब की तरफ रजू करने को कहा गया है कि आप उनकी तरफ रजू करें जिस तरह कायनती सुन और कायनती कवानी व असूल के बारे में हमें ज़मीन व आसमान के मुताल के लिए रुजू करने को कहा गया है हमें जो कुछ अल्लाह ताला ने क़ायनात में खल़ किया है उसके अंदर ग़ौर फ़िक्र करने के लिए कहा गया है उस ग़ौर फ़िक्र से भी हमें जो चीज़ हासिल होगी वो फ़िक़ही व शर्म नहीं होंगे बल्कि सुनन होंगे तरीक़े व कवानी व असूल जो कायनात के लिए अल्लाह ने मुकर्र किए हैं और ज़मनन इंसान के लिए भी मुक़र किए हैं हदूद यहाँ बयान करनी थी वो कर दी गई हैं उनके जवाब अलीहदा से बयान कर दिए गए हैं जिनसे हदूद व आहकाम इंसान ने इसखराज करने हैं इस्तभा करने हैं और अक्स करने हैं अब इस बयान की रोशनी में अब हम हमारे सामने क़ुरान करीम दर हकीकत अल्लाह की सुनन व कवानीन का एक मजमू है दस्तूर है जिस तरह किसी भी मुल्क का दस्तूर होता है बशर का अपना बना हुआ मुल्की कानूनी मसवदा उसके अंदर तमाम मुल्क दस्तूरात मुन होते हैं कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत बनेगी कैसे हुकूमत चलेगी कैसे इस मुल्क के अंदर तजारत कैसे होगी ज़रात कैसे होगी इस मुल्क के अंदर तालीम कैसे होगी अदालत कैसे होगी रवाबित कैसे होंगे अंदरूनी मामला कैसे होंगे दिफा कैसे होगा ये सारी चीज़ें उस दस्तूर के अंदर मुसवदे के अंदर पहले से मुन होती हैं दस्तूरी ज़बान के अंदर अब हमारे सामने अल्लाह की ममलिकत में अल्लाह का दस्तूर भी मौजूद है क़ुरान करीम की शक्ल में हर चंद इंसानों ने अपनी ममलिकतें अल्लाह की ममलिकत में अपनी ममलिकतें कायम कर ली हैं और अल्लाह की ममलिकत में अपनी ममलिकत बना के अपने कवानी भी बना के उसमें लागू कर दिए हैं जारी कर दिए हैं और मजमू तौर पर मिल कर सारे ही इस ममलिकत में हर जो मर्ज का बास बने हुए हैं लेकिन इनके इंसानों के ज़मीन को आपस में तकसीम करके और अपनी अपनी ममलिकतें बनाने से अल्लाह का इकतदार ख़त्म नहीं हो जाता अल्लाह की ममलिकत की नफ़ी नहीं हो जाती अल्लाह की हाकमियत की नफ़ी नहीं हो जाती वो कमाकान मौजूद है जिस तरह अल्लाह ताला का फरमाना है कि अल्लाह तिन वरा हिम मोहित, इन सब के ऊपर अल्लाह ही का अहाता है और कायनात इनके के कवानीन से नहीं चल रही मसला पाकिस्तान में बाद पाकिस्तान के दस्तरअमल व क़ानून और, और जबते से नहीं होते बल्कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलते हैं दिन रात यहाँ की सरज़मीन के कानून के मुताबिक नहीं होते बल्कि अल्लाह के क़ानून के मुताबिक होते हैं और सारा जो निज़ाम ज़मीन का चलता है फसलें उगती हैं पानी बहता है और ज़मीन के ऊपर ज़मीन के अंदर जो तहलात होते हैं ये सब कुछ अल्लाह के अकाम और अल्लाह की सुनन के मुताबिक हो रहा है इंसानी हयात पर भी अल्लाह की हाकमियत कायम है इसलिए अल्लाह ने यह सुनन मुकर की है और वर कवान बशर अल्लाह के कवान अपनी जगह लागू हैं वो मुअत्तल नहीं कर सकता इंसान यूँ नहीं कि सारे दुनिया के इंसान मिल के अल्लाह की किसी सुन्नत को अल्लाह के किसी कानून को अल्लाह के किसी जबते को कल अदम करार दें, देंल कर दें कि ये नाफिज नहीं होगा जो कुछ भी करेंगे बिल आखिर वो अल्लाह ही के क़ानून के ज़ुमर में ही कर रहे हैं मासीत भी कर रहे हैं गुनाह भी कर रहे हैं तमरद भी कर रहे हैं बगावत भी कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह का कोई कानून ही मौजूद है जिसके मुताबिक ये हलाकत की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल मुकम्मल मुतल अल्लाह के कवानीन को ये मतल नहीं कर सकते ना एक मोरद में एक मौके पर और ना मजमू तौर पर अल्लाह के कवानी नाफिज हैं इंसान ज़्यादा से ज़्यादा हदूद खुदा की मुखालफत करता है उन्हें मअल कर देता है लेकिन सुन खुदा को कोतल नहीं कर सकता काफिर भी वो हदूद खुदा का काफिर है और मासीतकार भी हदूद खुदा का मासीतकार है लेकिन सुनने खुदा के मुताबिक चल रहा है और अगर तबाही की तरफ जा रहा है तो भी वो अल्लाह ही का मुकर करदा एक रास्ता है इंसान ने आज़ादी से उस रास्ते को अपनाया है बस ये दस्तूर हमारे पास मौजूद है क़ुरान करीम की सूरत में अल्लाह ताली ने हिदायत का मंशूर पेश किया है जिससे हम सुनन को पहले दरियाफ्त करें फिर इन्हीं सुनन के ऊपर ज़िंदगी की बुनियाद रख कर हदूद को मुताल करें और फिर उन हदूद व आदाब के साथ हम इन सुनन के अंदर ज़िंदगी बसर करें और शदत पाएं और जो अल्लाह ताली ने अंजाम इंसान का मुकर किया है उस तक इंसान पहुँचे पहली किस्म आयात की जिनमें बाकायदा सुनन इलाही का कावान ज़िक्र किया गया है सुनत सनत सुन्नत के नाम से या सुन्नत के नाम से या सुन्नतुल अव्वल के नाम से सुनत अवलिन भी अल्लाह ही की सुनन है चूँकि सबका कौमों के अंदर वो सुनन लागू हो चुकी हैं और लोगों का अंजाम हो चुका है इस वजह से मौजूदा इंसान को सबका उम्मतों की सुनन के नाम से करवाया चूँकि वो मौजू थे वो इन सुनन पर अमल करने वाले थे और अंजाम उनके ऊपर ज़ाहिर हुआ है वरना जहाँ सुन्नत अवलिन है वो सोनाल्ला ही हैं यूँ नहीं है कि दो किस्म की सुन्नत हैं कुछ सुनतुल्ला है वह सोनानल्ला है और कुछ सनान अवलीन हैं गुज़श्ता लोगों की सुन्नतें हैं वो दोनों अल्लाह ही की सुन्नतें हैं इसमें एक आया करीमा जिसमें सुनतल्ल का जिक्र है सरह मुबारक फ़तः की आया तेईस सुन्नत सुन्नत कद ख़लत मिन कबल वलंद जदल सुन्नत तब्दीला अल्लाह की सुन्नत जो पहले गुजर चुकी है गुजशत अकवाम में और आप सुनत खुदा में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे यहाँ पर भी ताक़द के साथ है वलंद तजदा ला तज़दा नहीं है वलंदाज़द सनत ला तब्दीला हरगज़ किसी दौरान में किसी ज़माने में किसी असर में आप सन्नत में तब्दीली नहीं पाएंगे ये आया मुबारक शुर फात में है और शूरा फात में रसोल्ला सल्ला वसम और आपके साथी सहाबा व मुमिन ने जब अल्लाह के दस्तूर अल्ला के मुताबिक अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक इकदाम किया और एक अहम तारीख़ी माजरा पेश आया उस मौके पर ये आयात नाजिल हुई हैं जो सुल्ह उदैबिया के नाम से मरूफ़ है उदैबिया उस जगह का नाम है जहाँ पर यह वाक़ रोनम हुआ कि रसोल्ला सला वम ने मक्का मदीना में दिफाई जंगे लड़ने के बाद और मदीना में काफ़ी हद तक निज़ाम इस्लामी क़ायम करने के बाद हुकूमत इलाही क़ायम करने के बाद और किसी हद तक एक अमन की फ़ज़ा क़ायम करने के बाद पहली दफ़ा अब हजरत के बाद पहली दफ़ा मोमिनीन को इकट्ठा किया और हज का इरादा किया मक्का अभी तक मशरकिन ही के कब्ज़े में था और मशरकिन ही उस पर मुसलत थे काबा भी और मस्जिद मसदुलहराम के ऊपर उन्हीं की उन्हीं का तसलत था और दोनों शहर या दोनों मरकज आपस में दुश्मनी रखते थे मक्का मशरकिन का मरकज था और मदीना अल्लाह के निज़ाम का मरकज था ममिन का मरकज था और इनके दरमियान आपस में मुतद जंगें पहले हो चुकी हैं और उन सारी जंगों में मशरकिन को शिकस्त हुई है जिल्लत हुई है मजमू तौर पर सवाए एक जंग के जिसमें मुसलमानों का नुकसान हुआ है उस तरह से मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई कि मदीना पे कब्जा नहीं हुआ और बाकी जो अहदाफ मशरकिन के पेश नज़र थे दीन का ख़ात्मा रसोल सल वसम को मसा शहीद करना या ममिन को ख़त्म करना इस ममलिकत का निज़ाम ख़त्म कर देना इस तरह का कोई हदफ उन्हें हासिल नहीं हुआ भले जानी नुकसान हुआ और माली नुकसान मुसलमानों का हुआ वो भी इनकी अपनी ग़लती की वजह से हुआ बाकी जंगों में वजाहत के साथ और सराहत के साथ मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई और मशरकिन को शिकस्त हुई अब ऐसे मौक़े पर मुसलमानों के हौसले बुलंद थे अल्लाह के सारे वादे उनके हक में पूरे हुए हर चंद ममिन को बहुत सख्तियाँ देखना पड़ी हिजरत की सूरत में भी और हिजरत के बाद आकर मक्का में इब्तदई वो साल व अयाम के एक तरफ से दुश्मनी थी दूसरी तरफ से मदीना के अंदर बहुत सारे मसाइल थे समाजी नोयत के और सियासी और इकतदी व माली उन सारे मुश्किल को गुजार के अब ममिन काफ़ी हद तक अपना निज़ाम दीनी क़ायम करने में कामयाबी हासिल कर चुके थे रसोल्ला सल्ला वसलम की क़्यादत में और रहबरी व इमामत में जब इरादा फरमाया रसूल ने अल्लाह के हुक्म से कि अब हज के लिए जाना है जंग के लिए नहीं जाना और हज के साजो सामान के साथ तैयारी करके जब पहुँचे उदैबिया के मकाम पर यानि मक् के करीब तो वहाँ से मुशरकिन का वफद आया और उन्होंने आकर रोक दिया कि आप इस साल हज नहीं कर सकते बाहर कैब वहाँ फ़ौर रद्दमल में जंग नहीं हुई बल्कि बातचीत हुई और रसोल्ला ने अपने नुमाइंदा भेजे उनके साथ कुछ मुश्किल पेश आई फिर उसके बाद कुफार की तरफ से जब मुशाह हुआ कि ये इन्होंने रसोल्ला के नुमाइंदे को पकड़ लिया है असीर कर लिया बल्कि शायद कत्ल कर दिया है तो रसोल्ला अक्सलमल में ऐलान किया इन्हीं हाजियों को कि अब हज नहीं बल्कि जंग करनी है फिर उसके बाद सूरत हाल तब्दील और उसी मौका पर क़ुरान करीम की ये आयात भी नाजिल हुई उस मौका पर रसोल्ला सल्ला वसल्लम ने इसी लश्कर को जो कारवान हज था इसको लश्कर जंग में तब्दील कर दिया जहादी लश्कर में इसको तब्दील कर दिया तो चूँकि मकसद इस सफ़र पहले हज था आमादगी हज के लिए थी तैयारी हज के लिए थी असल और साजो सामान जंग के बजाय हज का साजो सामान था इन्हीं कुर्बानी के जानवर थे साथ लेके जा रहे थे और दीगर राशन जो रास्ते में उन्हें ज़रूरत था उसी साजो सामान के साथ और मदीना से बहुत दूर फासले पर और मक् से नज़दीक वहाँ पर जंग का हुक्म दिया जंग के लिए जो पहला क़दम रसूलुल्लाह रसूल सल्ला वसल्लम ने तैयारी करवाई बैत करके दोबारा उन तमाम हाज़रीन से कहा कि दोबारा बैत करें रसूलुल्लाह रसोल्ला सल्ला वसल्लम के साथ और उसमें मुख्तलिफ़ लोग शामिल थे जो बाद में जिनके किरदार मुख्तलिफ हुए तब्दील हो गए वो सारे उस ग्रोह के अंदर शामिल थे रसूलुल्लाह के हुक्म पर दोबारा बैत का अमल तकरार हुआ इसी को बैत रज़वान कहते हैं और इसका क़ुर करीम के अंदर अहम तस्करा है यानी ये सफ़र में दो काम बहुत उम्दा हुए अहम हुए बुनियादी एक मशरकिन के साथ सुल हुई और दूसरा ममिन के साथ बैत हुई ये दोनों क़र्न करीम ने इनको अहमियत के साथ जिक्र किया है सुल कुार के साथ और बैत मोमिन के साथ कुफार के साथ जो सुल हुई है नतीजा ये भी बेत ही का नतीजा था असल बुनियाद बैत थी जो यहाँ पर वखू पज़ीर हुई रसोल सल्ला वसलम ने उन्हें हुक्म दिया कि दोबारा सारे बैत करें और इसी का जिक्र सरा में भी है और दीगर चंद सर के अंदर भी इस माजरा का जिक्र आया है शुरह मुबारक फतह में आया अठारह के बाद अल्लाह ताला त फरमाने शुरू भी इसी से है इसी फतः मुबीन से शूरा का आगाज भी हो रहा है लेकिन सराह आया नंबर अठारह में है लक़द रद्ल अनिल मोमिन इद्युबाउन का तख तश जरा फिलिमा माफी कुलूबह मोमिन से अल्लाह राजी है जब उन्होंने दरख्त के नीचे आपसे बैत की आपके हाथ पर इस उनके अमल पर अल्लाह राज़ी है रज़ा खुदा इस काम के अंदर है और रज़ा ख़ुदा के मुताबिक हुआ है फ़ालम ममाफी क़लूब हिम अल्लाह तोमन के दिलों का हाल मालूम था फ़ान जल सकी हिम चूँकि अजतराब था उस वक़्त कि अब क्या होगा मुशरक़ी क्या करेंगे हमने क्या करना है हम हज करने आए थे वो जंग की तैयारी कर रहे हैं और खसूस जो अफवाह फैल गई थी ममिन के अंदर के नुमांद रसोल्ला को कत्ल कर दिया गया है उसने और ज़्यादा तशवीश इनके दिलों में बढ़ा दी थी और अब इन्हें ये इंतज़ार था कि रसोल्ला क्या फ़ैसला करते हैं आगे जाना है मक्का वापस मदीने चले जाना है जंग होनी है बिलाकर सूरत हाल इस तरह की थी कि लाजमी था इस तभी तौर पर सब के दिलों में इसतराब होना चाहिए था लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिलों में सुकून डाल दिया इत्मीनान डाल दिया फ़ाजलसकी वताबह फतहन करीबा और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें फतह करीब बता दी कि आपको हासिल होने वाली है और उन्हें कसीर मकदार में गनीमत मिलने वाली व वा मगानमा कतीरा या वकानु अजीजीम फिर आगे इन्हीं गनीमतों का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने इन कसीर मकदार में गनीमतों का वादा मोमिन को दिया है जिन्हें अपने तयशुदा वक्त के अंदर मोमिन को ये सारे गनाइम नसीब होंगे और उनमें से एक का कहा कि ये तो अभी नकदन तुम्हें मिल गई है वह मग़ान मक़ीरत फ्जल कुमी वक़ा आदी अन्ना से और एक काम ये किया कि कुफार के हाथों से तुम्हें महफूज रखा उन्हें रोक लिया अल्लाह ताला त वल तकुना आयता लमोमोमिन व्यादी अकुम सरातम मुस्तकीमा और ये काम भी अल्लाह ताला ने किया कि ये सब एक निशानी हो जाए मोमिन के लिए और हिदायत हो सरात मुस्तकीम की और फिर फरमाया कि ये वह गनीमतें हैं जो तुम्हें बता दी हैं और तुम्हारे मद्द नज़र और कुछ ऐसे गनाइम हैं आसार हैं इस माजरा के जो बाद में ज़ाहिर होंगे अभी आपको मालूम नहीं है वह उखरा लम तक दिरू अल कुछ ऐसे और नतज व आसार हैं जिन पर तुम्हें कुदरत नहीं है तुम उन पर कादिर नहीं कद हो कद अहातल्ला हो बेहा, अल्लाह को अहाता है उन अमूर के ऊपर उन असरात और उस अनजाम या गनाइम के ऊपर वक़ानल्लह अल्शैन कदीरा और साथ ही यह भी फरमा दिया है कि ऐसे नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको कुफार के हाथों से बचा लिया है अगर जंग होती तो तुम मोमिन शिकस्त खा जाते या मारे जाते और सुल से अल्लाह ने तुम्हें निजात दे दिया है बल्कि अल्लाह ताला का फरमान है कि यहाँ पर अगर जंग भी हो जाती सुलह ना होती और कुफार हट दिखाते और अल्लाह की तरफ से यही फरमाना आता कि इनके साथ जंग करो तो उस सूरत में भी कुफ़ार को शिक्त होनी होनी थी उस सूरत में भी गलबा मोमिन का ही था वलकातलो को मुल्ला वलोकन कफ़रु अगर ये कुफ़ार तुम्हारे खा खिलाफ कताल करतेबार तो पुश दबा के और पुश दिखा के भाग जाते फिर भी पीठ दिखा देते तुम्हें इस ना होती उनके अंदर सुम अला जदून वलियन वला नसीरा और फिर कोई कहीं से उन्हें मदद भी न मिलती चूँकि पहले तो ये मदीना पर चढ़ाई करते थे वहाँ से शिकस्त खा के जिल्लत उठा के फिर हारे हुए लश्कर के तौर पर वापस आते और फिर आके नए सिरे से अपनी ताकत जमा करते तो इकट्ठी करते लोगों को बुलाते कबाइल को बुलाते नई जंग की तैयारियाँ करते अब अगर ये मक्का में पिट जाते और यहाँ पर रसुआ होते तो इन्हें दोबारा फिर इकट्ठे होने की भी मोहलत नहीं मिलनी थी लेकिन यहाँ पर दर हकीकत कुफार ने सुलह पे रजामंदी ज़ाहिर करके अपने आप को बचाया है ना कि मोमिन बच गए हैं ममिन का फिर भी गलबा था सुन्नत सुनत का दलत मिनकाबल यह सुनत खुदा है ये जो अभी रसूलुल्लाह के साथ और ममिन के साथ वजीर हुई है वो क़ानून जो अमल में लाया है यानि जिस पर रसोल्ला ने और ने अमल किया है और जिसके ज़रिए ममिन को एक फत नसीब हुई है और कुफार को शिकस्त यह एक सुन्नत है अल्लाह की और पहले भी थी यह सुन्नत सबका अकवााम में भी ये सुन्नत कार फरमा रही है जो ममिन और जो हक का लश्कर इसके ऊपर चला है उन्होंने इसी सुन्नत पर चल कर कामयाबी हासिल की है और मुकाबले में कुफार को उस वक्त भी शिकस्त हुई है वलंद जदल सनत ला तब्दीला और सुनत खुदा में तब्दीली नहीं पाएंगे ये आयंदा के लिए है वलंदजद यानी बाद में भी ये सुन्नत बदलेगी नहीं तब्दील नहीं होगी इसमें तब्दील व तहवील व तगीर नहीं होगी ये आखिर तक इसी सुनत नहीं जाना है क़यामत तक इसी सुनत ने जाना है बाद में आने वाले मुमिन के लिए भी यही कानून है इसलिए ये बहुत अहम है ये कानून ये कामयाबी का रास्ता और ये निजात का रास्ता और दुश्मनान की शिकस्त का रास्ता और आज जो मुसलमान उलट हो चुके हैं कसरत में होने के बावजूद उस वक्त मुसलमान कलील थे लेकिन सुन्नत इलाही पर अमल किया तो सुलह भी शिकस्त मुसलमानों को फतह मिली और कुफार को शिकस्त जंग में भी मुसलमान गालिब थे और सुल में भी मुसलमान गालिब थे दोनों सूरतों में मुसलमानों की बरतरी थी ये एक दौर था और एक दौर आज ये है कि मुसलमान जंग करते हैं तो भी शिकास खा जाते हैं सुलो करते हैं तो भी शिकास खा जाते हैं हैंदा करते हैं तो भी इनके ज़र्र में और कुफार के हक़ में तब्दील हो जाता है और आज अगर जंगें लड़ते हैं जैसे इसराइल के ख़िलाफ़ कितनी जंगें लड़ी और सब में शिकास्त खाई सवाए उस 2006 की जंग के जो हिजबुल्ला ने लड़ी और उसमें कामयाबी हुई क्यों हुई चूँकि वो जंग सुन इलाही के एन मुताबिक लड़ी गई कलील ग्रोह ने लड़ी उसमें कोई मुल्क शामिल नहीं था कोई मुल्की फौज शामिल नहीं थी बल्कि ममिन की एक जमात छोटी सी उस जंग में वारद हुई और पूरे लश्कर बने इसराइल को शिकस्त दे दिया लश्कर को शिकस्त दे दी ये बहुत अहम सुन्नत है आज के लिए खसूस जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आइंदा भी इसमें तब्दीली नहीं होगी इसलिए ये बास हैं सारी सुनन की बास और मजमू तौर पर कुरान की हिदायत आज के लिए दरकार है हमें हमें अगर पता भी चल जाए कि तालुत कैसे कामयाब हुए हमें पता भी चल जाए हजरत यूसुफ किस तरह कामयाबी <\h1> हासिल की हमें मालूम भी हो जाए हज़रत दाऊद की ख़िलाफ़त कैसे क़ायम हो गई हमें मालूम भी हो जाए यानी हम मालूम हासिल कर लें ओलूम हासिल कर लें हमारे इलम में इजाफ़ा हो जाए हज़रत समान नबी की वो आज़मत बाज़मत हुकूमत कैसे क़ायम हुई या उसके बाद दीगर अम्बिया के ज़मानों में कैसे हुआ और हत रसोल्ला सल्ला वसलम के ज़माने में भी कुफ़ार को शिकस्त हुई और मुसलमानों को कामयाबी ये सब हमारे इलम में भी आ जाए लेकिन हम अपने ज़माने में ये काम ना कर सकें अपने ज़माने में आज की नस्ल इन सुनन को और इन कवानी को ना समझ सके और अमली ना कर सके तो वो सबका और आगही वो हमारे किसी काम की नहीं है हमें जन्नत में जाते हुए ये पर्चा नहीं लिया जाएगा कि तारीख में बताओ तालुद कैसे कामयाब हुए जालू को कैसे शिकास्त हुई दाऊद ने किस तरह से हुकूमत क़ायम की इब्राहिम किस तरह इमामत पे पहुँचे मूसा ने किस तरह फिर उनको शिकस्त दी वो परचा नहीं है हमारा वो उनका पर्चा था वो उनका इम्तहान था और उन्होंने कामयाबी हासिल की है हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने मुबला की और हज़रत इब्राहिम ने कामयाबी हासिल की वो हमारा पर्चा नहीं है हमारा पर्चा आज अपने ज़माने में अपने अहद में अपने दौर में ये सब हमें समझना है और जाहिर है कि वो ज़िक्र फिर क्यों आया है इसलिए आया है कि कवानी वही हैं उसूल वही हैं जाबते वही हैं तरीक़े वही हैं रवशें वही हैं असालिब वही हैं इस वजह से वो हमें भी बताया जा रहा है जिस तरह आज दुनिया की अफवाज को तारीख़ की सारी जंगें पढ़ाई जाती हैं मसलन आज पाकिस्तान की फ़ौज को जो निसाब पढ़ाया जाता है उनको फ़ौजी तरबियत अस्करी तरबियत दी जाती है जंगी तो सबका होने वाली तारीख़ी जंगें इन अफवाज को पढ़ाई जाती हैं आज की जंग के लिए तैयारी के लिए उनको पढ़ाई जाती हैं जंग अज़ीम उनको पढ़ाई जाती है पहली दूसरी उसमें हर मुल्क का मसला किरदार इसी तरह जो जंगें हुई हैं जैसे इसी ज़माने में जो मरूफ़ जंगें हुई हैं एक बरतानिया और अर्जेंटाइन की जंग हुई थी जिसमें अर्जेंटाइन ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की बरतानिया के ख़िलाफ़ उनका बैरी बेड़ा तबाह कर दिया था इसी तरह खलीज की जंग है ईरान और इराक के की जंग है इसी तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंगें हैं चाइना की जंगें हैं ये बाकायदा तौर पर आज तमाम मिलिट्री अकेडमियों में कॉलेज़ यूनिवर्सटियों में जो यूनिवर्सिटियाँ वार यूनिवर्सिटी अभी पाकिस्तान के अंदर भी है हमारे बहुत सारे अफवाज के ऑफ़िसर ये दुनिया के बाहर की दुनिया में पढ़ने जाते हैं जैसे अमेरिका यूनिवर्सिटियों में जाकर हमारे फौजी बाकायदा पढ़ के कोर्स करके पास करके आते हैं तो उन्हें वहाँ पर इस्लामियात और फिज़िक्स साइंस तो नहीं पढ़ाया जाता उनको कैमिस्ट्री रियाजी नहीं पढ़ने जाते जंग पढ़ने जाते हैं जंग के कवानीन और अस्करी तालीम हासिल करने जाते हैं उस अस्करी तालीम में मुख्तल अफवाज उनकी जंगें और उनकी कामयाबियाँ उसके अंदर पढ़ाई जाती हैं कि किस मैदान जंग में किस कमांडर ने कौन सी हमत अमली अपनाई और उसे कामयाबी हुई मसल समुद्री जंग में बहरी जंग में क्या उन्होंने हमत अपनाई हवाई फज़ाई जंग में क्या अमली अपनाई इसी तरह खुश्की की जंग में क्या हमत अपनाई वो सब मौजूदा कमांडरों को बताया जाता है इसलिए ये अच्छे कमांडर बनते हैं आज अपनी जंग लड़ने के लिए दीन भी कुरान भी यही चाहता है हमसे हो बहू ना एक लफ्ज़ ज्यादा न कम कि हमने सबका अकवा सबका अम्बिया सबका उमम सबका तारीख सारी देखनी है किस लिए अपनी जंग लड़ने के लिए अपने आज के मसाइल के लिए सब करना है हमने वसल्लम के हालात जिंदगी और और सुलह दया फतेह मक्का और जंग बदरोहदैबर किस लिए पढ़नी है इसलिए आज की एक जंग आपको दरपेश है हर नस्ल को एक जंग दरपेश सर करने के लिए कामयाबी उसमें हासिल करने के लिए आपको वो सारा मवाद और सारा नाब पढ़ना होगा खूब उनकी जंगें अगर हम पढ़ें तो हमें अपनी जंग में क्या फायदा मिलेगा चूंकि कानून एक है अल्लाह के सुनन एक है उसूल एक है, दस्तूर एक है जावता एक है रवशी वाहिद है अल्लाह ताला की चूंकि तब्दीली नहीं आ रही इस वजह से सहूलत है कि अगर इन राहों पर वो कामयाबियाँ ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं लेकिन हमें पहले उन सारी उसूलों को तारीख़ के इन वाक़ से निकालना पड़ेगा आज की नस्ल के लिए जबकि अमली तौर पर हम आज के झगड़े जितने हमारे हैं ये सब माजी के इख्लाफा में हम यानी अपने जमाने से उठ के पीछे जाते हैं वहाँ उन मसाइल में जाके लड़ पड़ते हैं आपस में आज के मौजू में मुसलमानों में आपस में कोई लड़ झगड़ा नहीं है मुसलमानों के आपस के झगड़े सब माजी के झगड़े हैं फिर का असल जो निसाब है वो यही है कि अपने ज़माने के हालात अपने ज़माने की जरूरियात, अपने ज़माने की मुश्किल अपने ज़माने के मसाइल इन सब को छोड़ो उठो पीछे जाते हैं आबा व अजदाद में और गुजशत तारीख में कि उनमें से तुम्हारे जद ने हमारे जद के साथ क्या किया ये नहीं कह रहे कि हम तुम तो आपस में एक दूसरे का क्या नुकसान किया है हम तुमने तो कोई नुकसान नहीं किया लेकिन पीछे चले जाएं कई सौ साल पीछे चले जाएं तो तुम्हारे जद ने हमारे जद का नुकसान किया है बस तुम अब वो उसका इंतकाम हमने आपसे अभी लेना है मौजूदा नस्ल से लेना है फ़िरका वारियत, फ़िरके बनना फ़िरक़ों की जंगें ये बेसूद और ला हासिल जंगें ये सब इस वजह से हैं कि हम आज की मसाइल आज की नस्ल और आज की ज़िंदगी और आज की हिदायत सब को छोड़ के फरामोश करके और माजी के जंगों में जाकर शरीक हो जाते हैं जबकि कुरान उलट काम हमें करवाता है कुरान ये कहते हैं कि आपको आज एक जंग पेश है दरपेश है इस वक्त दरपेश है हर नस्ल को हर नस्ल ममिन को हर नस्ल बशर को अपने ज़माने की एक जंग दरपेश है इस जंग में तुमने चूँकि इस जंग में महाज तुम हो फरीक तुम हो दूसरे वो नहीं है जो गुजर गए हैं उन्होंने नहीं लड़नी तुम्हारी जगह आकर तुमने ये जंग लड़नी है लेकिन इस जंग में तुम्हें हिदायत के लिए रहनुमाई के लिए जैसे फ़ौज की मिसाल दी है कि मसलन पाकिस्तान की फ़ौज को आज अपनी जंग लड़नी है अपने मुल्क की दिफाही जंग लड़नी है अपने मुल्क की दिफाई जंग लड़ने के लिए उसको सत्तर साल पहले होने वाली जंग की तारीख पढ़ाई जाती है ताकि उससे इबरत लेकर उससे जवाब उठी सीख कर वापस अपने ज़माने में आएं और अपने ज़माने के जंग में उन असूलों को बुरुकार लाएँ मुसलमानों में इतिहाद और वहदत की रम् यह है कि ये अपने ज़माने के मुसलमान बने अपने अहद के मुसलमान बने आलिम बे आल बेज़मान बने ना आलिम बिल माजी अपने ज़माने का आलिम बने अपने दौर का आलिम बने अपनी नस्ल की मुश्किलात का आलिम बने न फकत तारीख़ का माहिर बने खब हम अगर अपने ज़माने को तमरकज़ उसके ऊपर करें तो सारी अपनी समेट के अपने ज़माने पर ले आएं अपनी नस्ल पर ले आए अपनी मुश्किल अपने चैलेंजेस को देखें फिर दो मुसलमानों में भी कोई झगड़ा नहीं होगा क्योंकि मसाइल दोनों के एक जैसे ही हैं एक तरह से आज मसला पाकिस्तान में शीह सुन्नी है तो शिया भी ग़ुलाम है सुन्नी भी ग़ुलाम है चूँकि गुलाम हालत में हम रहते हैं शिया भी पसमानदा सुन्नी भी पसमानदा है दोनों पसमानदा हैं दोनों का जब ममलिकत पूरी अफलास का शिकार है तो शिया भी मुफलिस सुन्नी भी मुफले है एक जैसे मसाइल हैं हमारे वबा आई है दोनों को करोना है दोनों वबा के बारे में मुकाबले में आजज़ आ गए हैं दोनों के ऊपर जो हुकूमतें हैं करप्ट हुकूमतें हैं करप्शन और बदनवान और बदकार लोग बद किरदार लोग हमेशा से सत्तर साल से दोनों के ऊपर मुसलत रहे हैं दोनों के साथ एक जैसा रवैया है सबका लेकिन ये दोनों जब इनकी मुश्किल एक जब इनके मसाइल एक जब मसाइल का राय हल एक है ये दोनों एक कैसे होंगे जब अपने ज़माने में आएंगे अपने मुश्किल को देखेंगे अपने अहद को देख कर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो फिर दोनों में कोई इख्तिलाफ़ की वजह ही नहीं है अगर ये माजी में चले जाएँ कि तुम्हारे अब्बा ने और हमारे अब्बा ने क्या किया था तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है फिर न ख़त्म होने वाली इनके अंदर मौजूदा नस्ल में एक अख्तिलाफ शुरू हो जाता है पिछले मसाइल की वजह से क़ुरान हमें सुनन की बास में और फ़लसफा तारीख़ में बिल्कुल बरअक्स सैर करवाता है क़र करीम ने कहा है कि आपने माजी से उसूल जवाब ख़वानी लेकर अपनी नस्ल में वापस आना है अब रसूल सल्ला वसल्लम के ज़माने में जितनी मुश्किल थी एक दफ़ा भी अल्लाह ताला की ये वही नाजिल नहीं हुई कि ए रसूल पहले हज़रत इब्राहीम के साथ जो झगड़ा था उसमें कोई फैसला पहले कर लो आप पहले मूसा आलम के ज़माने में जो कुछ हुआ उसका पहले आप इंतकाम ले लो पहले आप ईसा सलाम के साथ होने वाले मसाइल से निमट लो पहले आप सलाम के ज़माने में होने वाले मसाइल हल कर लो फिर अपने मसाइल की तरफ बाद में आना ने मक् को बाद में देखना एक नमूना भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सल्लल्लाहु सल्ला वसलम को अल्लाह ते हिदायत की हो कि आप पहले मौजूदा मसाइल को अपने ज़माने के मसाइल को छोड़ें आप पहले पिछले मसाइल आबाओ अजदाद के जमाने वाले हल लें आप एक नमूना भी ऐसा नहीं है हर वही रसूलुल्लाह के जमाने के मुश्किल के बारे में है और आइंदा के बारे में साथ साथ बताया जा रहा है तारीख भी लेकिन वो सारी तारीख दर हकीकत राय हल है रसूलुल्लाह के अहद की मुश्किल का और वही कानून हमारे लिए भी है हमें भी उसी तारीख की तरफ रजू कुरान करवा रहा है ताकि हम अपने जमाने के मसाइल को उन्हीं जवाब से हल कर सकें मसलन हमारे लिए सुलह हुदैबिया और उसके अंदर होने वाली बैत रजवान एक तारीख है इल्म है पर्चा पास करने के लिए हिदायत कब होगी यही सुलह हुदैबिया हमारे लिए हिदायत कब है हिदायत उस सूरत में है कि जब हम इससे इस कामयाबी के अंदर इस फतह मुबीन का राज समझ जाए इसका बुनियादी नुक़ँ समझ जाए और उसको समझ कर अपने ज़माने के मार्का में ले आएं और अपने ज़माने में उसको आकर लागू कर दें हम और वही नतीजा हम लें आज चूँकि आज हमें ज़्यादा मुश्किल का सामना है रसोल्ला सल्ह वसम को एक शहर मक्का था हजूर के मुकाबले में लेकिन आज मुसलमानों के मुकाबले में कई बरेआज़म हैं अजीम ताकतें हैं ये सारी यकजा होकर पहले चंद कबीले थे रसूलुल्लाह के मुकाबले में मुसलमानों के मुकाबले में कई बरेआज़म और कई शैतानी सुपर ताकतें हैं तो आज ज्यादा ज़रूरत है उन रहों की और उन असूलों की और व ववानी की इसलिए ये आज की हिदायत के लिए बहुत अहम नुकते हैं ये सारे लेकिन हम कुर करीम को इस निगाह से अगर पढ़ें कि कुरान की हर आयत से हमने आज की नस्ल की मुश्किल का हल लेना है उसको तावीज़ बनाकर विरद बनाकर मंत्र बनाकर नहीं उसको दस्तूर के तौर पर उसको एक हिदायत के रहनुमाई के अनवान से हमने उसे अक्स करना है होबाबाई हम इसमें जैसा इशारा किया था कि माजरा ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसोल्ला वसल्लम ने जब मक्का में कदम जमा मदीना में कदम जमा लिए हुकूमत क़ायम हो गई तो मुकाबले में जो गढ़ था मुशरिकीन का वो भी एक मुक़दस शहर था लेकिन मुकदस शहर के ऊपर मुशरिकीन का कब्ज़ा था अब वो सूफानी ग्रोह उसके ऊपर हावी था पहली जंगों में शिकस्त के बाद अब वो नई ताकत समेट रहे थे और रसूलुल्लाह ने ऐसे में फ़ैसला किया कि हमने हज करना है ये ख़ुद बहुत बड़ा अहम कदम ये था हज का फ़ैसला और जंग के फ़ैसले से ज़्यादा असरअंदाज था इससे मुसलमानों की ख़ुद अतमादी इससे उनका अल्लाह पे भरोसा इससे उनका अपनी राह पर यकीन एतक़ाद ईमान अपने मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद और मुसलमानों की शिक्स्त का यकीन ये सारी चीज़ें इस एक फैसले से चलकती हैं टपकती हैं नज़र आती हैं बाजात इंसान बहुत ही अक्सलमल शदीद दिखाता है ये शदीद अक्सलमल अगरचे आवाज़ें बहुत ऊँची हैं इंसान बड़बड़ा रहा है इंसान चीख रहा है चंगाड़ रहा है लेकिन इस सारी चीख पुकार और तशद के पीछे एक खौफ एक बुजदिली मौजूद होती है बाज़ात हम मसा देखते हैं कि एक आदमी बहुत शदीद तरीन मार्के के अंदर भी बहुत ही पुरसकून बावकार है बिल्कुल उसे किसी किस्म की परवाह ही नहीं है उसके पीछे एक दलेरी एक शजात और एक इतमान कार फरमा होता है हम करबला में इमाम हुसैन आलाम को देखें किस कदर वक़ार है किस कदर अबहत है किस कदर आज़मत है इमाम आलाम के अंदर ज़रा बराबर कहीं से भी हल्का पान घबराहट होजन और सोचने की सलाहियत मसा इस तरह अब शिद्दत इस तरह से कर गया हो के अब फैसले भी नहीं हो रहे हैं ना बिल्कुल पुरवकार बावकार इत्मीनान सुकून उधर बड़ी करोफर है उस सब के अंदर यानी इमाम हुसैन आल्लाम का वक़ार और उम्र साद के लश्कर का बताता है कि मजबूत कौन है और हिला हुआ कौन है अपनी जगह से बुखलाहट किसके अंदर है इमाम हुसैन आसम का मुख्तसर सा लश्कर है औरतें बच्चे मर्द छोटे बड़े नौ नहाल सब मिला के ये अस्सी बयासी इंसान बनते हैं मसल बूढ़े और उधर एक पूरी ममलिकत है फौज है उनके पास पूरी रियासत है दो तीन बरेआज़मों पर मोहित रियासत है उनके पास और उनके पास हर चीज मौजूद है हामी उनके ज्यादा बैतलम उनका ज्यादा फौज उनकी ज्यादा इसल उनका ज्यादा ताकत उनकी ज्यादा लेकिन वो पूरी ममलिकत हिली हुई है एजतराब है उसके अंदर इमामी हुसैन आसलम के अंदर सुकून इतमीनान है हम किसी जगह भी जाकर देखते हैं मरऊब हो जाते हैं किसी के तशद आमेज लहजे से किसी के तशद आमेज आवाज़ों से हम मरऊब हो जाते हैं ना ऐसे में मुतमिन हो जाएं कि यह घबराया हुआ है ये डरा हुआ है ये मुस्तरब है जानवरों को देखें आप आप अगर किसी भी जानवर को चीखता चल्लाता हुआ देखें तो समझो डरा हुआ है ये जो जानवर हावई होता है गालिब होता है वो नहीं ज्यादा डरा हुआ नहीं होता ये गुर्राह मत खौफ की दलील होती है रसुल्ला वसल्लम ने हज का इरादा किया तो ये एक बहुत आ, ऐसी चीज थी सिफत नजर आ रही है मोमिन के अंदर तमाम मोमिन के अंदर जो साथ भी जा रहे हैं वो भी मुतमिन है और जा कह रहे हैं दुश्मनों के गढ़ में जा रहे हैं जो पहले लश्कर बना बना के आके मक्का मदीना में इनको कत्ल करने आते थे उन्हीं के गढ़ में गैर मुसल्ला होकर जा रहे हैं ये गैर मामूली हमत अमली है ये स्ट्रेटेजी इलाही है इससे जो रोब पड़ता है दूसरे के ऊपर वो काबिल तोसीफ़ नहीं हैं कई ऐसे गुजरे हैं मुजाहिदीन तारीख़ इस्लाम में ऐसे बहुत सारे गुज़रे हैं हमारे ज़माने में भी ऐसे बहुत सारे गुज़रे हैं कि बहुत इतमान के साथ अपने मकतल में चल के गए हैं बहुत इतमान के साथ और इसी से उन्होंने ऐसा रोब जमा दिया दूसरों के ऊपर अपने वक़ार से जे बसा एक आदमी है उसकी चीखें निकल रही हैं फरियादें निकल रही हैं गाली गलौज कर रहा है भुखलाहट का शिकार है एक बिल्कुल आराम पुरसकून इत्मीनान के साथ अपना रास्ता तय कर रहा है आम लोगों को ये लगता है कि ये ये जो चुप है ये जो बावकार है ये डरा हुआ है वो जो चीख चंगाड़ रहे हैं वो हावी हैं गालिब आ गए हैं लेकिन नफ्सियाती तौर पर ऐसे नहीं है बिल्कुल उलट है ये मुतमयन है वो डरा हुआ है अब यहां नतीजा भी सामने आ गया कि कुफार सख्त हरासा थे जब उन्होंने सुना कि रसुल्ला हज करने आ रहे हैं उनके ऊपर एक खौफ रूप पड़ गया अब किसी तरीके से रोकना चाहते थे ये हमले से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई थी उनके ऊपर अगर रसुल्ला जंग के लिए जाते तो शायद वो ना आते सुलों के लिए जंग करते तैयारी करते कि ठीक है बल्कि उन्हें ज्यादा सहूलत होती चूंकि अब मक्का के करीब हैं पहले वो मक्का से दूर मदीना में जाकर कार्रवाई करते थे सप्लाई पीछे से नहीं होती थी उनकी मदीना करीब होने की वजह से ये रसूलुल्लाह और आपके लश्कर को ये सहूलत होती थी कि आपका जो शहर है या छोनी वो करीब है उनकी छोनी दूर है लेकिन अब जो जंग होती अगर मक्का में जाकर तो ये सहूलत उनके पास थी अगर रसूलुल्लाह फरमाते अपनी जंग करनी है तो वो शायद ना आते सुलों के लिए लेकिन जब रसूलुल्लाह ने हज का ऐलान किया तो वो समझ गए कि यहाँ क्या करना है ऐसा बारहा हुआ है कई तारीखी जंगें मुसलमानों ने ही जो लड़ी हैं जैसे फतह ईरान में ज्यादा बड़ी जंग नहीं हुई ईरानी फौज ने वैसे हथियार छोड़ दिए बगैर जंग के जबकि ये ज्यादा ताकतवर फौज थी मुनजम फौज थी मुसलह फौज थी मुसलमानों की फ़ौज से कहीं ज़्यादा माहिर ईरानी फ़ौज थी जंगी तजर्बा इसको बहुत ज़्यादा था चूँकि इन्होंने पहले जो फतोहत की हुई थी और अपनी एक बड़ी ममलिकत इन्होंने बनाई हुई थी आगाज़ इस्लाम में लेकिन मुसलमान फ़ौज आई बहुत ही सादा तरीके से पहले जो फ़र्द आया एल्ची खलीफ़ा का पैगाम लेकर ईरानियों की तरफ वो अकेले आया और बादशाह के दरबार में दाखिल हुआ न सलाम न अलैक और न वो आदाब जो बादशाहों के सामने उमूा सजदे किए जाते हैं जानू टेके जाते हैं इजाज़त तलब की जाती है सीधा आया आकर खड़े होकर अपने उस रिवायती अंदाज़ से ख़त निकाला और खोल कर उसने कहा कि ये पढ़ के सुनाया कि ये खाते में लेकर आया हूँ दरबारियों ने समझा ये बहुत बड़ी तोहन है शाह की शहनशाह से चाहा कि इसका सर क़लम कर दें इतना गुस्ताख है इसने ना शाही आदाब दरबार के बाजा लाया है ना इसने इजाज़त मांगी है ना सजदा किया है ना जानू टेके हैं ना वो पहले ये जो दरबारों में जो सफ़ीर आते हैं वो पहले एक जगह रुक के क्याम करके सफ़र की थकन उतार के और लिबास तब्दील करते हैं सफारती लिबास पहनते हैं बड़ा और साथ कोई हदिया कोई गिफ्ट लेकर शाह के सामने पेश करते हैं खैर सगाली के तौर पर फिर बड़े आदाब सफारती के तहत जाकर वहाँ अपना मुद्दा बयान करते हैं इसने कुछ भी नहीं किया सहारा में घोड़ा दौड़ा दौड़ाता हुआ आया अकेला और खाक से अटा हुआ रेत उसके ऊपर पड़ी हुई न मुँह दोहया न दाड़ी रेत खाख सारी धाड़ी पर भी बालों पर भी लिबास पर भी और वो अरबी चोगा पहना हुआ गंदा मंदा सा तलवार लटकाई हुई सीधा अंदर आके उसने निकाला कमर से वो खात और पढ़ना शुरू कर दिया कि ये पैगाम आया है आपके लिए दरबारी उन्होंने तशद्द दिखाने की कोशिश की कि हम इसको सर कलम कर दें खूब एक आदमी है सर कलम करना क्या मुश्किल है लेकिन बादशाह ने रोका जिस तरह दरबार बिल्कीस में हज़रत सुलेमान का ख़त गया तो वो जो चापलूस हवारी दरबारी थे उन्होंने उठ उकसाया सरबरा ममलिकत को बिल्किस को मलिका सभा को कि आप इस तोहन का जवाब दें तो उसने कहा तुम नादान हो अहमक तुम ख़त के मज़मून से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि इसके पीछे कितनी ताकत मुझे नज़र आ रही है एक बहुत बड़ा वक़ार इसके पीछे मुझे नज़र आ रहा है ये ख़त जहाँ से आता है वो कोई हल्की जगह से नहीं आया हुआ तुम इतने ना तजुर्बाकारार और नाफह हो तुम एक खत के मज़मून से ही नहीं लग रहा कि इस खत के पीछे दास्तान क्या है वो चूँकि एक बड़ी माहिर शाही ख़ानदान से थी और हुक्मरान ख़ानदान से थी हुक्मरानी के आदाब जानती थी ममलिक्दारी जानती थी वो इसलिए उसने भाँप लिया और उसने कहा कि ना ये इस खत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता हदिये तैयार करो गिफ्ट तैयार करो कीमती और किसी तरह ये ख़तरा टालो जो इस ख़त में मुझे नज़र आ रहा है लेकिन दरबारी अमूमा दरबारी ना लायक चापलूस ना अहल चूँकि खुशामद के ज़रिए ये मकाम उन्हें हासिल होता है तो दरबारी इस काबिल नहीं होते दरबारी ईरान में भी यही हाल था वो दरबारी चापलूस थे सारे शाह के उन्होंने तशद दिखाया शाह ने उनको रोक लिया कहा नहीं मुझे इस सादगी ये बद्दू जो आया है बग़ैर नहाए आया है बग़ैर सफा, सफाई के आया है बग़ैर ये किसी काम के ऐसे ही सीधा जैसा घोड़े से उतरा सीधा अंदर आ गया और बिल्कुल उसने मुझे शाह समझा ही नहीं है मेरे दरबार को ख़ातिर में ही नहीं लाया ये तो इसके पीछे जो तसवुर है जो नज़रिया है जो इसके पीछे जिस ताकत के ज़रिए उसने ये किया है तुम्हें वो ताकत नज़र नहीं आई इसने किस ताकत के बदौलत यह काम किया है वरना इसकी ज़रूरत कैसे होती जहाँ पर लोग सजदा दहलीज से शुरू करते हैं दरबार की कुर्सी तक तख्त शाही तक सजदे में आते हैं पेशानियाँ टेकते हैं वहाँ पर यह बिल्कुल सीधा बग़ैर आदाब के दाखिल हुआ तो ये उसी वक्त होता है कि जब इंसान के पीछे कोई बहुत मज़बूत कुश्ती हो है भी तनहा है कोई फौज भी साथ लश्कर भी नहीं आया तो कहा ये ऐसी हिमाकत का वक्त नहीं है और नहीं की उसने उसी के बाद तस्लीम हुआ और आगे बाद ज्यादा इब्तदाई सरहदी कुछ आपस में चपकलशें हुई और उसके बाद पूरी फौज तस्लीम हो गई कि ठीक है हम तस्लीम हैं और ये बार बार तिकरार हुआ ये उबोहत वकार और सुकून की कई जगह तकरार हुई कई जगह बड़े भड़के मारने वाले आए और नाकाम होके गए कई जगह पर बड़े वावकार लोग आए और अकेले वो मार का सर करके चले गए यहां यही एक सुन्नत एमाल हो रही थी कि अब हज के लिए दुश्मन के गढ़ में जाना है जो खूनी दुश्मन है जानी दुश्मन है और बिल्कुल कल कम करना चाहते हैं दीन का भी रसूलुल्लाह का भी आपके साथियों का भी कसम खोरदा दुश्मन है उनके हा, उनके यहाँ गैर मुसल्ला होकर हज करने जाना है वापस आ सकेंगे कोई तुम में से पलट के आएगा ये ममिन की भी बहुत बड़ी जुर्रत थी कि रसूलुल्लाह के इस फैसले पे साथ चल पड़े वहाँ पहुँच कर जब सूरत हाल बदलती हुई नज़र आई तो फैसला हुआ कि अब जंग करनी है इन्हें इस अमल की सज़ा देनी है जंग का जब ऐलान हुआ तो अब दोनों तरफ दो अलादा रद्दमल हुए एक मश्रकिन की जानब के उन्होंने फ़ौर जंग का सुनकर सुलो का मुसवदा तैयार किया कि हम जाते हैं वफद लेकर और जंग टालने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि गलत फहमी हो गई उन्होंने आ, उसने नीयत दिखाने के लिए खैर गाली दिखाने के लिए जिस तरह अभी कोरोना के दिनों में पाकिस्तान में कोई न सेहत के वसाइल हैं कुछ भी नहीं है चाइना दूसरे तीसरे हफ़्ते बाद कोई जहाज़ भेज देता है ख़ैराती तो हमारे लीडरों ने यह जहाज़ सारा चाइना का आया हुआ कोरोना के लिए साजो सामान किट्स वगैरह डॉक्टरों के लिए ये सारा भर के अमेरिका को तोहफे में जाके पेश कर दिया है और ये भी एक निज़ाम होता है इस तरह का भी अब सारी दुनिया हैरान है इस अमल के ऊपर दो काम ऐसे हुए ये ज़ाहिरन ईदी साहब ने सिखाया है इनको अब दोस्तार ईदी ही जो बहुत बड़े समाजी कारकुन थे और उन्होंने पाकिस्तान का कम से कम सबसे बड़ा एक समाजी नेटवर्क बनाया हुआ था खदमात का और फलाही रफाई अमूर का बड़ी ख़दमात थी उनकी उनके बेटे इन्होंने लोगों से चंदे इकट्ठे करके ज़क़ात ले के और एक करोड़ का चेक ले के वज़र अजम को पेश कर दिया सारी दुनिया अभी तक हैरान है कि ये क्या कानून है कि चंदे के चेक जो हैं वो जाके हुकूमत को पेश कर लें बजाय हुकूमत से मदद लेने के खैराती इदारा है ये हुकूमत से मदद ले हुकूमत को उल्टा जा चेक दे दिया इन्होंने यही काम हुकूमत पाकिस्तान ने किया जो ईदी ने हुकूमत के साथ किया इन्होंने चाइना का आया हुआ सारा साजो सामान उठा के अमेरिका को हधिया भेज दिया पहुंच भी गया है और उन्होंने बड़ा इस्तकबाल भी किया है पाकिस्तान से मदद लेके अमेरिका ने बड़ी ख़ुशी का इजहार किया है कि ऐसे मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने हमें याद रखा है यह दरक़ीकत एक सम्बोलिक काम है ना अमरीका को इसकी ज़रूरत थी और ना ये दरक़ीकत चाइना को पैगाम गया है कि तुम जो कुछ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करोगे वो सारी अमेरिका ही के खाते में जाएगी यहाँ जो मशीनरी है ये एक सिम्बोलिक काम है अलामती काम हुआ है कि तुम चाइना सोच समझ के करे पाकिस्तान में जो कुछ करेगा ये आखिर में अमेरिका के हाथ चला जाएगा बाहर के वो एक माजरा है दास्तान है इन्होंने अब किसी तरह कोशिश की कि हम जाके जंग टालें रसोल्ला ने अपने साथियों को जंग के लिए तैयार किया जंग के लिए तैयार करने के लिए बैत का अमल रखा कि तमाम वो साथी हाजी हाज करने जो जा रहे थे ये सारे तैयार हो जाए जंग के लिए पहले बेत करें आकर और अल्लाह ताला ने भी इस पूरे माजरा में सबसे ज़्यादा जो रजा का इजहार किया वो इसी बैत के ऊपर किया है लक़द अनिल इद रद्ला का इन शज़रा। ये जो मोमिन ने बेत की है आपके हाथ पर इस मौका पर इसने अल्लाह को राज़ी कर दिया ये बहुत बड़ा काम किया इन लोगों ने यह रजा अल्लाह की इन लोगों ने हासिल कर ली इस मौके पर रसोल्ला के हाथ पर बैत करके बस मालूम हुआ कि इस बेयत का बहुत बड़ा किरदार है यहां पर उस पूरे माजरा में बैत ने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है और फिर इस बैत के जो आसार अल्लाह ताला ने बताए हैं कि अब फतेह मुबीन शुरू हो गई गनीमतें कसरत से फरावान तुम्हें हासिल हो गई अब कोई रुकावट इसके बाद अब तुम्हारे सामने नहीं है सारे रास्ते अल्लाह ने खोल दिए सारी बंदिशें खत्म हो गई अब वो जो मार के नहीं सर कर पा रहे थे पहले अब वो भी समझो सर हो गए इस बैत के बाद न उस सुल के बाद वो सुल नतीजा है बैत का गनीमतें बैत के नतीजे में अल्लाह ने बयान फरमाया, ना सुल के नतीजे में लक़द रद्ला हो अनिल मोमिनी इद युबाऊन का तख तश जरा वहाँ दरख्त था एक रसूलुल्लाह उस दरख्त के सये में टेक लगा के बैठे हुए थे और हुक्म दिया बैत का तो एक एक करके सब आते और बारी बारी रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत शुरू हो गई उसी मंज़र को क़ुरान ने पेश करके कहा कि ये दरख्त के नीचे इस सहारा में यानी अमारत नहीं है घर नहीं है ये जो तुमने दरख्त के नीचे बेत की है लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मोमिना इस मोमिनीन के अमल पर अल्लाह राजी है इनसे बाजों ने इस रज़ायत को खेच के बहुत आगे तक ले गए हैं कि इनकी सारी नस्लों से भी अल्लाह राजी है ना इस अमल पर राजी है ये जो इकदाम किया है इस पर अल्लाह राजी है बाद के जो काम होंगे उस वक्त की रजा अलहिदा होगी ये नहीं है कि यहाँ रजायत वाला काम करके बाद में नाराजगी वाला काम करो तो कहो अब भी अल्लाह राजी है ना अल्लाह ने किसी का शजरा देख कर नसब देख कर, जात देख कर नहीं देनी पार्टी और लीडर देख कर नहीं देनी अमल ये अमल तुम्हारा रजायत वाला था चूंकि ये अमल तुमने जबरदस्त किया है बस इस अमल पर तो अल्लाह बहुत राजी है तुमसे लेकिन बाद में जो अमल करोगे मौत तक उसी तरह हर अमल को देखा जाएगा कि वो राज रजायत वाला है या नहीं है ऐसे नहीं कि एक दफ़ा अल्लाह ताला से लिखवा लिया अल्लाह राजी है तो बस अब हम जो कुछ करें अल्लाह राजी है बल्कि इसी कारवान में कुछ ऐसे थे जो बाद में मुनाफिक बन गए उन्होंने भी बेयत की ये अमल तो ठीक किया उन्होंने बाद में नारजायती अमल किया अल्लाह उनसे नाराज़ है ये अमल उनका दुरुस्त इस अमल पर अल्लाह राज़ी है लेकिन बाद में सफाई कर दी इस अमल की भी आसार धो दी है, मुनाफ़त अख्तियार करके बाद में कुछ लोग मुनाफिक हो गए उनमें से लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जिन लोगों ने यह अमल किया अल्लाह उस पर राजी है फ़ालम माफी क्लू जो उस उसी वक्त अब नतीजा बैत का सामने आ रहा है एक एक करके उस बैत का एक नतीजा क्या है कि एक तो तुम्हारे दिलों के अंदर सुकून अल्लाह ने डालिया इस तरह हर फर्द फर्द के दिल से इस तराब खत्म हो गया पहले बहुत मुस्तरब थे वह असाब हूँ फतह करीबा और अल्लाह ताला ने उन्हें फतह करीब का मुजदा सुना दिया ये दूसरा बैत का नतीजा व मगान मसी कसीरतन या खुदू नहा और बहुत कसरत के साथ वाफिर मकदार में गनीमतें गनीमत वो माल जो मुसलमानों का नहीं है लेकिन इन्हें मिल जाएगा है दूसरों का इन्होंने कोई, कोई कोशिश नहीं की उसके लिए कोई जहमत नहीं की लेकिन वो सारा इनको मिल जाएगा वो यहूद का है वो मुशरकिन का है वो फला का है सरजमीने हैं उन सरजमीनों के बाग़ात हैं ये सब एक एक करके मिल जाए और ऐसा ही हुआ सुले हुदैबिया के फौरन बाद सबसे पहला मार का जो फौरन ही हुआ अगले साल ही रोनमा हो गया वो फत खैबर है खैबर फतह हो गया अब ये खैबर एक ऐसी जगह थी जहाँ यहूद का बहुत बड़ा गढ़ था यानी इसराइल यूँ समझ लें उस ज़माने का इसराइल रसूलुल्लाह के ज़माने का इसराइल सयून वहाँ मुस्तकर था और मक्का से ज़्यादा ख़तरनाक खैबर था यहूद का गढ़ था मज़बूत लोग थे भरपूर तवानाई थी इनके अंदर और मक्का वालों से ज़्यादा माली ताकत थी इनके पास यहूद के पास इसलिए इन्होंने जो गढ़ बनाया हुआ था वो खैबर एक तरफ से मक्का, एक तरफ से खैबर और दूर दराज भी थे दुश्मनान उनके भी इसी तरह मज़बूत अड्डे थे अगर ये आपस में मिल जाते खैबर और मक्का आपस में अगर एका कर लेते रसूलुल्लाह के खिलाफ तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जानी थी रसूलुल्लाह की नज़र में था कि स्ट्रेटी थी कि मक्का को अलहदा से निबटना है और खैबर को अलहदा से खूब जब मक्का सुलो के जरिए मक्का की तरफ से इतमिन हो गया कि सुलह हो गई पहले खैबर पर हमला नहीं किया हालांकि खैबर से पहले रसूलुल्लाह ऊपर हमले हो रहे थे कार्रवाइया हो रही थी मुश्किलात बढ़ रही थी बहुत शिद्दत के साथ खैबर का खतरा बहुत शदीद था लेकिन दो महाज थे मक्का भी और खैबर भी मक्का अबू सुफियान की क्यादत में और खैबर यहूद की क्यादत में था और रसोल्ला को यह था कि दोनों में से एक महाज एक एक करके इन महाज को जीतना है और ऐसा ही हुआ मक्का का महाज यहीं पे रोक लिया गया हर चंद मक्का फत नहीं हुआ लेकिन नवीद आ गई रास्ता खुल गया फत हो गया दर खुल गया मक्का का इस सुल से दर खुल गया फत खुलने को कहते हैं हम फत को जीत कहते हैं विक्ट्री लेकिन अरबी में गुशाइश खुल जाना बंद चीज का खुल जाना फत होता है दरवाजा बंद है खोल दें तो ये फत हुबाब है बंद दरवाज़ा खोल दिया गया बंद रास्ता खोल दें फत व तरीक है नाका लगा हुआ था जैसे अभी लॉकडाउन था ये अख्लाक था लॉकडाउन, बंदिश ये लॉकडाउन, हर चीज बंद उसको जो उठाया लॉकडाउन को तो ये फ़त है फतल है ये लॉकडाउन को उठा लिया गया बंदिशें उठा ली सारी खोल दिया गया सब कुछ जो बंद किया था मक्का का जो मुसालत का अमल था सुल्ह का इससे मक्का के फ और मक्का की जीत और मक्का पर गलबे का रास्ता खुल गया इधर से मुतमिन हो गए लिहाजा फौरन बाद कार्रवाई शुरू हुई खैबर के खिलाफ और खैबर एक सख्त किला था सख्त महाज था बहुत सख्त आप तो करें कि, कि किसी महाज पर इतना वक्त नहीं लगा मक्का न सुल में इतना वक्त लगा न फत है मका में इतना वक्त लगा मुसलमान मका के सीधे अंदर चले गए रुके बगैर लेकिन खैबर में बहुत वक्त लगा पूरी ताकत रसूलुल्लाह समेट कर कई कबाइल को साथ लेकर कई कबाइल से समझौते करके मसालियत करके वो ख़ुद एक दास्तान है अर्जन पाकिस्तान में खैबर बहुत पढ़ा जाता है लेकिन ख़याली खैबर ये जो अशबा उन्नास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये खैबर ख़ुद घड़ा हुआ है उन्होंने और जिसमें वो चाबी जो है कई चालीस टन की चाबी है वहाँ पर और इतनी फिर उस चाबी का जो वज़न बताते हैं फिर वो होती कहाँ थी चाबी लटकी हुई कहाँ होती थी वो उससे भी ज़्यादा आगे शर्मनाक बात है फिर वो दरवाज़ा इतना बड़ा था ताला इतना बड़ा था चाबी इतनी बड़ी थी ये ख़्याली किस्से हैं ज़ाहिर महम सारी बातें करते हैं वो हकीकत खैबर तारीख में चूँकि अशबा उन्नास से पढ़ लिख के आए हैं किसी तलीमी इदारे से तो नहीं आए किसी होज़ा इल्मिया से किसी जामिया से किसी यूनिवर्सिटी से किसी मदरसे से हत किसी बूढ़ी औरत से ही दीन पढ़ के आए हूँ बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर बूढ़ी औरतों के फ़ारग व तसील है नानियों के दादियों के या महल की कोई दीनदार खातून थी बुढ़िया वो बच्चों को पढ़ाती थी ये जो मेमरों पर बैठे हुए हैं ये उस बुढ़िया के भी शागिद नहीं हैं इन्हें अशबाह उन्नास ने वाह वाह करके आलिम बना दिया है तो इन्हें न उर्दू पढ़ना आती है न फारसी पढ़ना आती है न अरबी पढ़ना आती है तो ये किस जबान में पढ़े मुताल किस जबान में करें ये खैबर की तारीख अरबी में लिखी हुई है फारसी में लिखी हुई है उर्दू में लिखी हुई है खूब को किताब ला के सफ़ा खोल के बताओ ये खैबर है ये होती है दीन की बात हवाला दो आप कि ये खैबर है ये खैबर की और ये खैबर भी बहुत अहम मारका है बहुत अहम मारका बाज़ों ने ये फ़तह मुबीन और इस तरह बाज़ मुफसरीन ने कहा है कि ये खैबर मुराद है लेकिन ना कराइन सारे कतई यकीनी कराइन सारे हैं कि ये सुल्ह उदैबी और फत मक्राद है लेकिन रास्ता खैबर का इसी सुल्ह में ही खुला अल्लाह ने जो वादा दिया सूर्य फात में कि फौरन फिर और रसुल्ला ने शीद तरीन एहतम खैबर के लिए किया इतना बड़ा अहतमाम किसी और के लिए नहीं किया और जो आजमाई मुसलमानों की सबसे ज़्यादा इसी खैबर पर हुई खैबर एक पूरा इलाका है एक कला नहीं है उसमें कई कल थे जिनको किले कहते हैं हम वो कई कल थे और बड़े बड़े यानी यू समझे जैसे ये लाहौर का शाही किला है अगर देखा हुआ हो किसी ने तो इस तरह के कलए थे बड़े मज़बूत एक मरकजी कला था जिसमें मरहब था उनका मरकजी कमांडर और बाकी अतराफ में बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ यहूद ने इतने कलए बनाने का मतलब ही यही था कि उन्होंने जंगी छोनी बनाई हुई थी वो कैंट था एक तरह का उनका छोनी थी उनकी उसमें तमाम फौजी छोनी तैयारी जंगी तैयारियां थी और ये सारी ताकत रसूलुल्लाह के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल करनी थी यहूद ने हुजूर ने लश्कर बनाया और लश्कर बनाकर वहां पहुंच गए और फिर जैसा तारीखों में है कि पहुंचते ही रसूलुल्लाह की तबीयत नासाज़ हो गई और फिर उस अरसे में दूसरे जो रसोल्ला की तरफ से मामूर थे जो लोग उन्हें बाकायदा तौर पर भेजा जाता था कि आप ये कार्रवाई करो जाकर और और जाहिर है कि बाजों को पहली दफ़ा कमांड मिली थी तो वो बड़े जोश जज्बे में जाते थे कि जिस तरह पहले बदर में कामयाबी हुई है अल्लाह ने दी है और ओहद में और फलां जगह पर वो जहर किसी के उसमें थी रसोल्ला सल्ला वसल्लम की तबीयत नासाज थी कई दिन तक और अमीरमन की तबीयत भी नासाज थी अमीरमिन या मदीने में थे या फिर रसोल्ला के हमरा ही थे यानी उस मार्के में नहीं थे पहले शामिल रसोल्ला जब अरसा गुजर गया जैसा लिखा जाता है उनतालीस चालीस दिन गुजर गए मुसलसल हर रोज़ हमला हर रोज नया कमांडर हर रोज नया अमीर हर रोज़ नई तैयारी और हर रोज शिकस्त और वापस आते मायूस होकर के कि किसी तरफ से खैबर के अंदर घुसने की जगह ही नहीं थी खैबर कले में नहीं खैबर इलाके में घुस नहीं पा रहे थे कुछ छोटे कले इन्होंने फतह कर लिए थे लेकिन जो मेन उनका मरक़ था वो उसमें अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहे थे मुसलमान जो बड़े बड़े जाते थे वो सारे शिकस्त खा के वापस आ जाते मायूस होकर रसोल सल्ला वसल्लम की तबीयत खुद बहाल हुई तो हज़ूर एक आर्जा था रसोल्ला को तबीयत के लिहाज से जो कभी कभी हो जाता था पेश आ जाता था जिसमें ज़ाहिर में दर्द रसोल्ला के उठ जाता था और वो दर्द शिद्दत इख्तियार कर लेता था फिर मामूलात तर्क हो जाते थे जो इस शिदत के साथ गलबा पाता था वो दर्द और बाज़ तारीखों में लिखा है कि वही हो गया जब खैबर पहुंची हजूर तो यही हो गया ये आरजा लाक हो गया हिकमत लाही थी या तबी तौर पर हुआ बाहर कैफ इस आरजे में और बीच में ये अरसा जो गुजरा तो मुसलमान भी पीछे नहीं हटे अपनी सी सारी कोशिशें करते रहे लेकिन किसी से ये काम हुआ नहीं तो ने जब मालूम किया कि क्या हुआ इन दिनों में बताया जब तो हज़ूर का दिल नाराज़ हुआ कि इतने दिन और इतनी कोशिश और आप नहीं कर सके फिर ये ऐलान किया कि अब मैं कल परचम किसी ऐसे को दूंगा कि जो पीछे नहीं हटेगा और उसके हाथों से ये फतह हो जाएगा और फिर अब ज़ाहिर है कि अमीरमिन नहीं थे वहाँ इसलिए सब को ये यकीन था कि ये अली तो नहीं हो सकते एक तो मौजूद नहीं थे और दूसरा अमीरुल अमीराममिन भी आँखों के आशुब में मुब्तला थे आँखों में जैसे सुजिश हो जाती है पानी निकलना शुरू हो जाता है खुल नहीं सकती है। होता है आम सी बीमारी है लग जाती है अमीरुल अमीरमिन को ये आँखों के आशुब था आँख खुल ही नहीं रही थी जैसे पानी सा आता है ना बंद हो जाती है आँख सुरखों के सूज के बंद हो जाती है इस तरह की कैफियत थी और के जहाँ गर्द हो जहाँ धूप हो वहाँ और ज्यादा मुश्किल होती हैं तो अमीरुल सलाम वहाँ हाजिर हुए रसुल्ला ने बुलाया अमीरुल मोमिनीन को बताया गया कि वो उनकी तबीयत भी नासाज है फिर भी हुजूर ने बुला लिया अमीरुल मोमिनीन आए और अमीरुल मोमिनीन आए भी नाका पर बैठकर अमीरुल मोमिनीन की जो असल सवारी थी मामूल की सवारी आम वो ऊनी थी असासा भी अमीरुल अमीरमिन का था उठनी ये शादी के बाद भी थी और बाद में भी अमीरुल अमीरिन के पास थी और घर में ही होती थी ये और उसमें लिखा है कि वो अमीरुल अमीरमिन उसको रखते थे हजूर ने पूछा भी कि क्या सा, साजो सामान है शादी के वक्त तो अमीर उमनिन ने बताया कि उठनी भी है मेरे पास तो अज़ूर ने फरमाया ये नहीं बेचनी है ये चूँकि आपके असल दरामद का ज़रिया है तो उठनी रखी वो उठनी अमीरमन के पास थी उस पर पानी भी निकालते कुएँ खोदते पानी निकालते उसमें पानी निकाल के लोगों को फ्री में भी देते और कहीं किसी को ज़रूरत होता अब यारी के लिए उसको फ़रोख भी करते ये एक अमीरमन का तरीक़ाकार था ऊटनी थी उसी ऊँटनी पर आए और आँखें उसी तरह आशूब में मुबतला हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम ने इस रिवायत के मुताबिक अपना लआाब दहन लगाया दुआ की और फौरन आँखें ठीक हो गईं और तब अमीरुल अमीरमन को परचम दिया और फिर अमीरुल अमीराम ने लश्कर के साथ जाकर उस पर हमला किया पहले वो हिसार तोड़ा उनका फिर कल के करीब गए फिर उस कल का दरवाज़ा उखाड़ा अंदर गए और फिर वह मरहब के साथ जो कुछ हुआ वो सारा माजरा व तारीख हुई इस फतह खैबर से इतना माल गनीमत हुआ मिला जितना पूरे पिछले कई सालों से मदीना में इतना माल व दौलत मुसलमानों के पास था ही नहीं सारा मजमू तौर पर मिलाएं तो भी इतना माल व दौलत इन यहूद से मिला ज़मीनें इनकी खैबर उसी वक्त थी वो पूरा बाग खैबर का जो था इलाका वसी इलाका था उसमें एक नखलस्तान था जो बाद में हज़रत सदा को हुजूर ने दे दिया ये मफतुआ जगह थी सारी इस जगह से गनीमतें फ़रावान मिली अब भरपूर ताकत माली ताकत यहाँ से बड़ी इस ममलिकत इस्लामिया की सबसे बड़ा माली जो ज़ख़ीरा हाथ लगा वो फतेह खैबर से लगा ये वादा था इसी बैत के बाद जब बेत की तो अल्लाह ने आप बताना शुरू कर दिया कि इस तुम्हारी इस बैत से अब होगा क्या आगे एक मक्का की फ़तह का रास्ता खुल गया दूसरा गनीमतें फरावान तुम्हारे लिए हो गई फतेह मुबीन शुरू हो गई जो करीब है गनीमतें फ़रावान तुम्हारे हाथ लगेंगी कुछ ऐसी गनीमतें हैं जिनका तुम्हें पता भी नहीं है और वो तुम्हें अनकरीब मिलने वाली हैं अल्लाह को मालूम है और उनमें से एक ये नई यानी नकद आपको वो क्या है सुल है खुदयिया एक सुल था सुल का अमल जो अभी मिल जाएगा और ये बेत का नतीजा था सुल इसी बैत का नतीजा सुल्ह है इसी बैत का नतीजा फ़तः मुबीन है इसी बैत का नतीजा गनीमत माल फ़रावान है इसी बैत का नतीजा रज़ाए खुदा है इसी बैत का नतीजा आगे मुमिन के लिए अल्लाह की गुजाइश है और इस बैत का नतीजा ये है कि ये बैत करके अब अगर दुश्मन तुम से लड़ता तोज्जो करें लक़ रज़ी अनिल तशरा

उस मौके पर उस आलम में उस माहौल में ये यही लोग थे जो रसूलुल्लाह को ओहद में छोड़ के भाग गए थे पहले यही थे यहाँ से भाग गए ओहद से लेकिन यहां आप नहीं भाग रहे जिस तरह जंग ओहद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने खराब कर दिया सारा कुछ और बिल्कुल मायूस हो चुके थे घर घर मायूसी फैल चुकी थी और करीब था कि वो सारा ताना बाना जो बनाया गया था वो सारा ही बिखर जाता बिल्कुल मुसलमान मायूसी की आखिरी हद को जा पहुँचे थे ओहद के बाद पहले वो आयात किसी और मुनासबत से बयान किए उन आयात को इन आयात के साथ मिला के पढ़ें जंगे ओहद की आयात और सुलहदैबिया की तो आप देखें कितना फ़र्क है उसमें मुसलमानों की हालत क्या थी उसमें अल्लाह ताला ने उनकी सरजनश कितनी की उसमें तोबीख़ कितनी की डांट कितनी पिलाई और उनकी गलती का एहसास दिलाया और फिर उन्हें किसी तरीके से वो मायूसी से निकाल के फिर दोबारा उम्मीदें उनके अंदर पैदा किं ये अहूद की कार्रवाई यही कौम थी यही लश्कर था वहाँ उसकी कारदगी थी जिस पे अल्लाह को बहुत नाराज़गी हुई यहाँ पर इन्हीं की कारकरदगी है और जिस पे अल्लाह ने फरमाया आप राजी है खुदा तुमसे यहाँ राजी है अल्लाह तुमसे क्यों कि तुमने बर वक्त बर मौका बैत की बर वक्त दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त काम करना ये सुन्नत खुदा है कि इंसान ठीक वक्त पे ठीक काम करे हम उमूमन ठीक काम करते हैं गलत वक्त पे करते बहुत है हम ठीक काम लेकिन गलत वक्त पे ठीक काम करते हैं या ठीक वक्त पे गलत काम कर देते हैं जिस वजह से नाकाम हो जाते हैं जैसे जंग ओहद के अंदर ठीक वक्त था गलत काम कर दिया नाकामी हो गई बहुत सारे काम जब वक्त एन वक्त के ऊपर हो जिस तरह अलैहिस्सलाम ने ठीक वक्त पे ठीक काम किया जंग खंदक में बिल्कुल मौके के ऊपर ताक की जरब लगाई और फिर उस वक्त आया कि यह जरबत इबादत सकलैन से अफजल है ये क्योंकि इस जरबत की खसूसियत क्या थी क्या अमीर उमोमिन ने पहली जरबें लगाई पहले जंग बदर में कितनी जरबे लगा चुके थे और दीगर मौकों पर कितनी जरबात लगा चुके थे खंदक में यह पहली जरब लगाई अमीर उमोमिन ने पहले भी बहुत सारी लगाई भले पहले सूरत हाल ऐसी नहीं थी जैसी जंग खंदक में थी कि जंग खंदक जंग अहज़ाब कहलाती है सारे ग्रोह सारा लश्कर सारा कुफर जमा हो के सिमट के आकर रसुल्ला के मुकाबले में आया और ललकार रहा था और बुरे तरीके से ललकार रहा था जैसे रसुल्ला को कह रहे थे कि आप का ये कहना है ना कि जो भी इस मारा जाए जंग में तो बहिश्त में जाएगा तो वो कहता था बहशत के लिए कौन कौन तैयार है लाइन लगाओ लाइन में आ जाओ आमरब ने अब्दोब गुस्ताखी कर रहा था कि अरे मोहम्मद बहस्त में जाने का वक्त आ गया है तुम सब का। लाइन में लगो जिस जिसने बहस्त में जाना है मैं आ गया वो खंदक फलांग के ये खंदक फलांग ना ही उसका ऐसा काम था मुसलमानों के छक्के छूट गए चूंकि इन्होंने खंदक पे भरोसा किया हुआ था खंदक बचाएगी हमें और खंदक की उसने उबूर कर ली घोड़ा उधर से दौड़ाया जंगजू था घोड़ा भी जंगी था वो खंदक उबूर करके आ गया जहर है कि यहाँ काम खत्म हो गया क्योंकि इसी पर तो भरोसा था ये आखिरी मोर्चा है हम खंदक के अंदर रहेंगे यहाँ से ये यह नहीं आ सकते वो वहीं से दाखिल हो गया अंदर अब क्या करते मुसलमानों की हालत भी देखने की है रिवायात में है कि रसूलुल्लाह जब वो वो साखी कर रहा था बड़ी तोहना मेज तरीके से ललकार रहा था तो रसूलुल्लाह ने ये कम लहजा रसूलुल्लाह ने अपनाया है बहुत कलील मौक़ों पर इस तरह का लहजा है उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस कुत्ते की जबान कौन बंद करेगा और तमाम लश्कर नीचे सर झुकाए हुए नीचे देख रहा था चूँकि खंदक अबूर करने से ही उनकी गर्दनें खुद ही नीचे हो गई हौसले पस्त हो गए हिम्मतें टूट गई सारी अमीरमिन खड़े हुए कि मैं इसकी ज़बान बंद करता हूँ फिर रसुल्ला ने बिठा दिया फिर दोबारा कहा फिर तीन दफ़ा कहा तीसरी दफ़ा फिर खुद अपने हाथ से अमीराम को तैयार किया जंगी साजो सामान बांधा अपनी दस्तार रखी तलवार दी और रवाना किया और अमीरमन उस तरह खरामा खरामा बहुत बवक़ार तरीके से जंग में गए बहुत बवकार इतने बकार तरीके से गए कि रसूलुल्लाह को अपने ही एक सहाबी ने कहा कि अली की चाल में तकबर लगता है गुरूर नज़र आती है आता है इस तरह नहीं जाना चाहिए मुतवाजे होकर जाना चाहिए यही मौका है इंसान दुश्मन के सामने जाकर तवाजो नहीं दिखानी होती तवाजो अपनों में होती है रुहमा बेना हम अशद्दा अलल कुफार ये जो वक़ार था अमीरमिन का ठहराव था कि मौत की तरफ जा रहे हैं और मौत की तरफ जाते हुए आदमी मुजतरब ना हो टांगे कांप ना रही हो रंग उड़ा हुआ ना हो बौखलाहट ना हो ऐसे गर्दन घुमा ना रहा हो ऐसे एक डरा हुआ आदमी एक काम क्या करता है बार बार इधर देखता है ऐसे आंखें घूम रही हैं गर्दन घूम रही है बदन मुस्तरब है चाल ठीक नहीं है पाँव लड़खड़ आ रहे हैं लेकिन वो अमीरुल अमीरमिन का ऐसा तोानीना ऐसा इत्मीनान अपना लश्कर भी तहमुल नहीं कर सका आमरेब ने अपने वद ने पूछा कि वो अब जानता ही नहीं था उसने कहा तुम कौन हो वो बताया तारुफ मैं फुलाऊँ कि मैं आप गुमनाम हो मैं मशहूर हूँ और गुमनाम पहलवान के साथ मशहूर पहलवान जंग नहीं करता किसी मशहूर को भेजो तो कहा कि खूब ठीक है मशहूर भी आ जाएगा आप तो पहले आज़मा तो ले बाहर के वो तैश में आया तो जंग शुरू हुई फिर वो आगे आप जानते हैं क्या हुआ इस तरह से जो मर के होते हैं कि ठीक वक्त पे मौके के ऊपर मौके के ऊपर बात करना मौके के ऊपर वार करना यही वार होता है बाकी पछतावा है खिफत है बाकी कफारों से ये चीज़ें अदा नहीं होती रमज़ान का रोज़ा वक्त के ऊपर ठीक रख लिया रख लिया बाद में साठ भी रख लिया वो फ़ायदा नहीं है जो रमज़ान के अंदर होता है उसको वक्त के ऊपर दुरुस्त काम करो दुरुस्त फैसला करो दुरुस्त हरकत करो फिर उनकी कीमत जब पड़ती है उन कामों की जो वक्त के ऊपर दुरुस्त वक्त पर किए जाएं, नतीजे भी उन्हीं कामों के निकलते हैं कीमत भी उन्हीं कामों की पड़ती है फैसला कन वही काम होते हैं वही घड़ियां होती हैं यहां पर इन मुमिन ने जो अमल किया बर वक्त और दुरुस्त काम किया वो बेयत थी रसूल के दस्त मुबारक पर बैत की इन्होंने आकर और इस बेत के बाद अब अल्लाह का यह है कि अब खुदा राजी है इस युबाऊना का अब ठीक काम किया है तुमने ये दुरुस्त काम है तुम्हारा यहां पर आकर तुम जमा हो गए हो इकट्ठे हो चूंकि वहाँ मौका था ना इख्तलाफ कर सकते थे वहाँ कई आरा बन सकती थी कुछ कहते हम वापस जाते हैं जैसे ओहद में हुआ कुछ कहते नहीं हम हज करते हैं कुछ कहते सुलो करते हैं कुछ कहते जंग करते हैं जहाँ पर भी इतनी जमीयत हो उसमें इख्तलाफ पैदा हो जाता है तजर्बा करने तो अभी बिठा लो मा बिठा लो एक पाकिस्तान के शी को बहुत शौक है सारे लामा इकट्ठे हो जाए एक दफ़ा ये काम हो जाना चाहिए ताकि तारीख बन जाए कि इकट्ठे होके करते क्या हैं ये अभी तक तो नहीं हुए लेकिन इनकी हसरत की खातिर कोई ऐसा मौका हो किसी बहाने से इकट्ठे हो जाएं और फिर उसकी फिल्म बनाओ तुम ये इकट्ठे होके करते क्या हैं कहते क्या हैं इनके एक दूसरे को देखने के तेवर सिर्फ देखो इनके क्या हैं फिर जो गुफ्तू करते हैं फिर जो दलाइल देते हैं फिर जो मौक़ अख्तियार करते हैं फिर जो अंदर दबे हुए दिलों के अंदर कीने हैं वो जब बाहर जबानों पर आएंगे फिर क्या होते हैं एक दफ़ा होना चाहिए ये काम जब इतनी जमीयत इकट्ठी हो मुख्तलिफ आरार रखने वाली मुख्तलिफ मजाज रखने वाली मुख्तलिफ शौक रखने वाली मुख्तलफ मफादात रखने वाली मुख्तलिफ़ रुझान रखने वाली जमीयत जब इकट्ठी और उधर से इतना हसास मौका आ जाए कि दुश्मन नाबूदी के दर पे है और ये मुख्तलिफुल आरा एक जगह बैठ कर सब के सब बेत कर लें अपने रहबर के हाथ पर इस मौके पर और एक आदमी भी बात भी ना करे कि मैंने नहीं करना इस पे अल्लाह राजी है अनिल मोमिनीन मोमिनों से खुदा राजी कब होता है मोमिनों से किसी जमाने के मोमिन हो मोमिनों से अल्लाह राजी कब होगा बेयत से अल्लाह को राजी करने के तरीके हैं अभी जो तुम राजी कर रहे हो बानियों को राजी करते हो पब्लिक को राजी कर रहे हो अल्लाह को राजी करने का तो फार्मूला ही नहीं है तुम्हारे पास अल्लाह को राजी करने वाला इलम तुमने पढ़ा ही नहीं है Allah को राजी करने वाले इकदाम ही तुम्हारे निसाब में शामिल नहीं हैं अल्लाह कब राजी होगा तुमसे मोमिन से लकदिन इनका जरा ये जो बेत की है तुमने ये लम्हा ये घड़ी जिसमें तुमने बेत की है तुमने खुदा को राजी कर दिया इस पर खुदा राजी है खूब राजी होने का मतलब वो नहीं है जो मखलूक जैसे कोई बादशाह राज़ी हो गया कोई सुल्तान राज़ी हो गया कोई हुक्मरान राजी हो गया राजी होने के बाद अब उसने लफाफा मंगवाया चेक लिखा ये लो तुमने बड़ा काम किया मखलूक को राज़ी करते रहते हैं हम रोज़ाना मखलूक को बाज़ लोगों को बहुत अहसन तरीका आता है खल के ख़ुदा को राज़ी करने का वाकया मैं चूँकि ख़ुद कमज़ोर हूँ इसमें इस शोबे में इस खल्क राजी करना ये मैं कई दफ़ा तवज्जो करता हूँ कि ये काम मुझसे क्यों नहीं होता ये मुश्किल मुश्किल काम भी बाज़ अल्लाह की लुफ्फ़ से हो जाते हैं लेकिन ये आसान काम क्यों नहीं होता मालूम हुआ हो कि शायद सलाहियत ही नहीं है कि खलक राज़ी करना मुश्किल नहीं है लेकिन होता नहीं है लेकिन बाज लोगों को देखें कि उनसे दिलो जान से राजी हैं सब वो एक लतीफ़ा तो सुनाया हुआ है ना आपको कि एक जाकिर खतीब ने नुकता मारा मजलिस में अवाम पसंद नुकता मारा अवाम नारे वजे दाँत दी उन्होंने जबरदस्त किस्म की जैसी होती है एक मजलिस के अंदर तो सामने से एक हाजी साहेब उठे उन्होंने कहा कि जी जाकिर साहब आप मजलिस के बाद मेरे घर आना मैं आपको एक बोरी चावल दूँगा जहर उस जमाने में चावल भी बड़ी कीमत रखते थे आजकल तो बहुत ऊपर चली गई या आप आए मैं आपको गाड़ी दूंगा गाड़ी की चाबी दूंगा यूं समझ लें बोरी चावल की पुरानी मिसाल है आप नई मिसाल ले लें आपको गाड़ी की नई गाड़ी की चाबी दूंगा जाकिर साहब ने जल्दी जल्दी मजलिस समेटी घंटा भी नहीं पड़ी चालीस मिनट में मजलिस खत्म करके मजलिस के बाद पूछा जी आजी साहब का एड्रेस कहाँ है बता दिया लोगों ने जी फलां जगह है पहुंच गए जाके दरवाज़े पे दस्तक दीजिए हाजी साहब आप वादा किया था उधर मजलिस में आपने कि गाड़ी देनी है गाड़ी कहाँ है उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी गाड़ी तो मेरे अपने पास नहीं है मेरे अपने पास मोटरसाइकिल है गाड़ी नहीं है मैं तुझे कैसे गाड़ी दूँ तो उन्होंने याद दिलाया कि आपकी मजलिस में मैं मजलिस पढ़ रहा था आप सब के सामने उठे और आपने ये वादा किया सब के सामने कि मजलिस ख़त्म करके आना मैं आपको ये इनाम दूंगा तो उन्हें याद आ गया कहा अच्छा वो बात कर रहे हो आप जो मजलिस में मैंने की थी कहा हाँ वही बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि देखो भाई वहां तुमने एक नुक्ता मारा मुझे खुश किया मेरा दिल खुश हो गया एक नुक्ते से बहुत खुश हुआ मेरा दिल मैंने जवाबन आपन मारा ताकि तेरा दिल भी खुश हो जाए तेरे नुकते से मुझे कुछ नहीं मिला मेरे नुकते से तेरे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि जो तूने नुक्ता नुकता मारा वो तेरे पास नहीं था जो मैंने नुकता मारा वो मेरे पास नहीं था नुकते का जवाब नुकता तूने मुझे खुश किया मैंने तुझे खुश कर खल कैसे ही है आप मखलूक को खुश करें आपको भी खुश कर देते हैं जवाबन अल्लाह की रजा का फार्मूला ही अलादा है अल्लाह इन नुकतों से चुटकलों से इन चीजों से राजी नहीं होता ये जो मखलूक को राज़ी करने के जितने तरीके मखलूक को राज़ी रखने के हैं इनमें से एक भी अल्लाह के यहाँ मौसर नहीं है रजा ख़ुदा का अपना एक अलादा क़ानून है तरीका है निज़ाम है वो अल्लाह ने ख़ुद बता दिया क़ुर करीम में मतद मकाम पर है ये एक मोरद है उसका कि ये और जगह पर भी अल्लाह की रज़ा का मैार मिलाक बताया गया है कि अल्लाह इनसे राज़ी होता है वो क्या काम है उ, उन जुमला उमूर में से जो अल्लाह को राज़ी रखते हैं मोमिन से वो बैत है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायऊनक तहत अश-शजरा फ़अलम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनत अलैहिम यानी ये रज़ा अब रज़ा के बाद रज़ा के नताइज क्या हुए इस ख़त्म डर टका खत्म बिल्कुल नफ्स इत्मीनान कहाँ दुश्मन के नरगे में मैदान जंग में नहते मुसलमान असल भी नहीं हैं वतन से भी दूर हैं वहीं पर पुरार पुरसकून ये एक नतीजा रज़ा खुदा का और दूसरा नतीजा इसी बैत और रजा का फत फत करीब व फत मुबीन तीसरा नतीजा गनाइम और गनाए में कसीरा और चौथा नतीजा ये हाल हाजिर सुल और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया न रुकने वाला इस बैत के बरक़ात शुरू हुई जो नहीं रुकी फिर कहीं भी नहीं रुकी और अल्लाह को राजी कर लिया मोमिन ने यही मुमिन जिन्होंने अल्लाह को नाराज कर दिया था ओहद में अब अल्लाह को राजी कर लिया इन्होंने तो ये बेत क्या चीज़ है जिससे इतना बड़ा इंसान नतीजा ले लेता है बेत बज़ाहिर पाकिस्तान में तो बेत एक मानूस चीज़ है हर आदमी किसी न किसी की बेत में है किसी पीर किसी फ़कीर किसी मुर्शद किसी कुतुब के दर अस्तानी पे जाकर किसी के हाथ पे बेत बाज़ मसाले कैसे हैं कि जिनके अंदर बेत के बग़ैर अगर मर जाए तो जहन्नम में जाएगा ऐसी सोच है लोगों के अंदर अगर कोई पीर मुर्शिद नहीं है तुम्हारा और बेत नहीं की हुई और फौत हो गए किसी वली के हाथ पे तो जहन्नम में जाओगे उनका बेत का एक अपना सूफियाना खानकाही तसवर है बैयत का मतलब होता है बे बै, बे यानी खरीदो फरोख्त लेन देन देना और लेना लेना और देना एक मददे के तहत एक आकद के तहत एक जबते के तहत कोई चीज़ किसी को दे और उसके बदले में कोई चीज़ ले इसको बे कहते हैं लेकिन ये मददा चूँकि एक अहद होता है अहद के लिए अलामत ये होती थी मसला जब भी अरब कोई चीज़ ख़रीदते थे या बेचते थे मसला ये ऊँट बेच रहा है और वो उसके बदले में खजूर दे रहा है इसको पैसे कम इस्तेमाल होते थे चीज़ के बदले में शय होती थी आपसे ऊँट ख़रीद रहा है जवाब में आपको खजूर दे रहा है तो ये माहिदा सब के सामने तय पाता था वो ये कहता था कि मैं आपको इतनी खजूर के बदले में ऊँट दे रहा हूँ वो भी ये कहता था कि मैं इतने ऊँट के बदले में आपको इतनी खजूर दे रहा हूँ तो ये बात तय पा गई तय करने के लिए अभी एग्रीमेंट होता है दस्तखत होते हैं उस वक्त दस्तखत नहीं होते थे बल्कि वो अपना दाया हाथ आगे रखता था और दूसरा फरीक अपना दाया हाथ उसके हाथ के ऊपर दोनों दाया हाथ रखते थे दाया हाथ रख के दाया हाथ के ऊपर अहद करते थे साथ ये कहते भी थे और लोग देख लेते थे कि जब हाथ के ऊपर हाथ रख दिया है इन्होंने बस बात पक्की हो गई ये मुहिदा हो गया है अब ये न टूटने वाला मुहिदा है अब दोनों पीछे नहीं हट सकते वो ये कहे कि नहीं भाई मुझे तो ज्यादा कीमत उधर से मिल रही है ज्यादा फीस इधर से मिल रही है ये खत्म ना वो अब हो गया माहिदा इसको तोड़ नहीं सकते तुम ये जाहिलियत में भी था जाहिलियत में भी खरीदो फरोगत जब होती थी अरब अरब को कोई चीज़ देने का एहद कर लेता था और उससे लेने का अहद कर लेता था और हाथ पे हाथ रख के उसको पक्का कर देता था जब फिर उससे पीछे नहीं हट सकता था अगर पीछे हटे तो सब उसके खिलाफ और उसको गरामद देना पड़ती थी यही फिर इस्लाम का भी हिस्सा बन गया बै के आपने शय के माल के बदले माल देना है आपने और वो भी आकद के साथ और के सूरत में हो लेन देन बाकायदा शरीयत के अंदर उस चीज को जारी रखा गया और उसके शुरू और आदाब बता दिए गए कि लेन देन इस तरह से करना है इसका तरीका इस्लाम में भी मुसलमान होने के बाद भी यही था लोगों का कि फिर जब लेन देन करते थे तो हाथ के ऊपर हाथ रख के मुहदे की अलामती काम ये करते थे यानी बात पक्की हो गई अब टलेंगे नहीं अभी भी जहां पर कुछ लोग ग्रुप मिलते हैं ना तो वो अहद करते हैं तो इसी तरह हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं कि बात पक्की हो गई अब पीछे नहीं हटेंगे हम इससे ये खुद एक अहद होता है आपस का लोगों का अलामत होती है कि इनके अंदर तबादला हो चुका है कुछ लेन देन हो गया है इनके दरमियान इसी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुसलमानों के लिए ममिन के लिए एक अमल जिक्र किया है हिदायत के बाब में कि मोमिन ने बेत करनी है एक बेत अल्लाह के साथ है इनकी जिसमें अल्लाह ने इनसे कुछ लेना है और अल्लाह ने इनको कुछ देना है जैसा कर आने करीम में है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों की जानें ख़रीद ली है नलाश्तरा मिनी न अनुसम अल्लाह ने मोमिनों की नफुस ख़रीद लिए हैं किस किसके बदले बेअनला हमल जन्नत जवाबन दे दिए जन्नत का लैन दिन हुआ है मोमिन अपनी जान अल्लाह को दे देता है जन्नत अल्लाह से ले लेता है इसको भी अल्लाह ने बे कहा है बे उशरा और अशतरा इसी तरह लैन दें जो हिदायत देकर जलालत ख़रीद लेते हैं गुमराही कि यह बे आजकल कसरत से होती है कि गुमराही ख़रीद लेते हैं हिदायत बेच देते हैं दीन बेच देते हैं उसके बदले में गुमराही ख़रीद लेते हैं इसको भी क़ुरान ने तजारत और बय कहा है और एक इस अमल को कहा है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुमनिन ने के सामने अंजाम दिया बैत बेत की बेत का मतलब यानी मोमिनों ने वही माना लैन देन वाला ही यहाँ है कि मोमिनों ने कुछ रसूलुल्लाह के सामने पेश कर दिया दे दिया रसूलुल्लाह के इख्तीार में करार दिया और जवाबन रसूलुल्लाह ने इन्हें कुछ अता किया और दोनों का ये इत्तफाक हुआ कि मोमिनीन का कि हम ये चीज़ दे रहे हैं आपको और उसके बदले में आप हमें ये चीज़ दे रहे हैं और वो हम ले रहे हैं ये आपको दे रहे हैं यही अमल बैत कहलाता है रसूलुल्लाह के रसूल के साथ इमाम के साथ अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल के साथ और अल्लाह की तरफ से मनसूब वलिल के साथ ममिन को ये काम करना है कि एक मददा है मोमिनों का अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल के साथ और ओल अमर के साथ क्या देना है मोमिन ने और लेना क्या है मोमिन के पास जो है बेत के लिए जरूरी है लेन देन अगर लेन देन नहीं है बीच में तो वैसे अकीदत का इजहार बेत नहीं करा होता जैसे आजकल ये पीर मुर्शिदों के साथ बेयत होती है ये वैसे बेत मजाजी बेयत है इस यहाँ सिर्फ देना ही होता है लेना कुछ नहीं होता यानी मोमिनों ने मुरीद ने अहद किया है कि अपने घर का सब कुछ कमा के पीर को दे देगा पीर ने क्या देना है पीर ने कुछ भी नहीं देना है पीर के पास क्या है क्या देगा तुम्हें यह मुआदा नहीं होता बे में लेन देन है कुछ दो कुछ लो खब मोमिन अल्लाह को जान देते हैं तो अल्लाह ने क्या दिया मोमिनों को जन्नत और को मोमिनों ने क्या दिया क्या पेश किया वहां पर यही जान पेश की जहाद पेश किया इतात पेश की चूँकि मोमिन इतात कर सकता है कि हम आपकी इतात करेंगे हम आपके बरदारी करेंगे हम आपके हुक्म को मानेंगे हम आपके फरमान को मानेंगे आपके कहने पर जहाद करेंगे जान भी देनी पड़ी जान भी दे देंगे खूब जवाबन आप क्या करेंगे खूब आप हमें हिदायत देंगे आप हमारी क़्यादत करेंगे आप हमारी रहनमाई करेंगे आप हमें राह दुरुस्त पर कायम रखेंगे आप हमें हमें अल्लाह की बंदगी की राह पर कायम रखेंगे ये आपने करना ये मुआयदा है मोमिनों का रहबर के साथ मोमिनों का अपने पेशवा के साथ मोमिनों का उसके साथ जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है मोमिनों का जिसको अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर मनसब नहीं दिया हुआ उसके साथ बेत नहीं कर सकते चूंकि आपके पास जो कुछ है ये आप हर एक को नहीं दे सकते जैसे अभी पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट ने मना कर दिया गंदम सिर्फ हुकूमत ने खरीदनी है ताजर नहीं खरीद सकते आटा मिलों वाले गंदम नहीं खरीद सकते अगर खरीद ली पकड़ लेते हैं जाकर क्यों जब कानून ये है कि ये गंदम तुमने सिर्फ हुकूमत को बेचनी है तो क्यों बेच रहे हो और किसी को बेच ही नहीं सकते अगर बेची तो ये जुर्म है <coughs> ये जाबता है कि ये नहीं बेच सकते हर एक को आप मोमिन के पास जो कुछ है मोमिन के पास खैर मोमिन तो अपनी हर चीज हर एक को बेच देता है अपना तन भी बेच देता है मन भी बेच देता है जमीर भी बेच देता है उसके पास हर चीज फ्रोशी है काबिल फरोख्त सेल पर लगी हुई है दीन वतन नामोज कौम हर चीज उसकी बेच रहे हैं लेकिन मोमिन की हर चीज इंश्योर्ड है मोमिन को इजाजत नहीं है कि अपनी हर चीज हर एक को बेचता फिरे मोमिन अपनी जान नहीं बेच सकता मोमिन इतात अपनी नहीं बेच सकता हर एक के सामने मोमिन फरमनबरदारी नहीं बेच सकता मोमिन इतात पाबंदी व गुलामी नहीं बेच सकता मोमिन पाबंद है किसको बेच सकता है उसी को जिसको अल्लाह ने इसके ऊपर इख्तियार दिया है विलायत दी है जिसको विलायत दी है उसके बगैर किसी के सामने नहीं पेश कर सकता अपने बाप को नहीं बेच सकता अपने भाई को नहीं बेच सकता अपने जिस होते हैं ना बहुत सारे हकदार पाकिस्तान की तहजीब में बाप वली है लेकिन हुक्म ताए का चलता है मामू का चलता है सुसर का फरमान उसका चलता है बाप भी डरता है उससे ताया से हो ये ताया की इताद पाकिस्तान में है दीन में नहीं है दीन में आपने फरोख जो करना है ये आपके पास है क्या जो आप बेच सकते हैं जान है आपकी वक्त है आपका इताअत है आपकी सलाहियतें हैं आपकी कोशिशें हैं आपकी ये नहीं बेच सकते हर एक को ये किस को बेच सकते हैं जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ जो है जो अथॉरिटी है अल्लाह की तरफ से अल्लाह अल्लाह का रसूल आमर। इसके अलावा बाकी सब जाली हैं इनको बेचना है जब ये मांगे आपसे इनके सामने इनको पेश करना है आपने इन्होंने क्या करना है जवाबन आपके चूंकि बे है ना ये तो मामला है इसमें एक नहीं है कि हम तो अपनी जान माल हर चीज बेच रहे हैं तो वो भी क्या करें उन्होंने हमें हिदायत देनी है उन्होंने हमें सीधी राह रख दिखानी है उन्होंने हमें ये रास्ता तय करवाना है उन्होंने राहबरी करनी है उन्होंने कयादत करनी है मुश्किल काम उनका है हमारा काम बहुत आसान है जान दे देना लेकिन राह पर लगाना दुरुस्त राह पर लगाना हिदायत करना रहनुमाई करना सख्ती में आसानी में मुश्किल में जंगों में सुल में हर जगह पर हमें हिदायत पेश करना ये उनका काम है इसके बदले में हम ये कुछ पेश कर रहे हैं ये बेत कहलाती है ये मुख्तस है उसके साथ जिसको अल्लाह ने हक दे दिया मोमिन के ऊपर इसके अलावा नहीं है बैत का किसी को इख्तियार और तमाम उमूर इसी बैत से ही बनने हैं निज़ाम इमामत व उम्मत ये इसी से होना है उम्मत की तश्कील की गिरा यही बेत है यहीं से उम्मत तश्कील पाती है कि जब सब एक जगह आकर अपनी नफूस अपनी मर्जी अपना इख्तियार अपनी हर चीज़ आकर एक जगह फरोख्त कर देंगे ये सब मैं मेरी औलाद मेरा घर मेरे औकात मेरी सलाहियतें मेरी जान मेरा सर हर चीज आपके हवाले दूसरे का भी ये आपके हवाले सब की जाने एक जगह आ गई यहां से उम्मत तश्कील पाती है अब ये अलहदा अलहदा नहीं राय दे सकते जो बेयत कर चुके हो बेच चुके हो सब कुछ फरोख्त कर चुके हो अपने आप को वली अमर के सामने वली के सामने वली अल्लाह ने इसके बदले में आपको हिदायत करनी है आपको रहनुमाई करनी है आपको आगाह करना है आपको खबरदार करना है आपको दुरुस्त राह पर कायम रखना है और आपको निजात देनी है जमानत देनी है निजात की आपकी इसके बदले में एक और वजह बैयत के बाब में चूंकि बैयत ने ही बहुत काम खराब किया हुआ है बैयत कुरानी मफहूम है कुरानी हिदायत है जाबता है और सुन्नत इलाही है और इसी में मुसलमान बहक गए हैं जिस तरह और बहुत सारे मत, मताले बयान किए हैं कि वो हकीकत उनकी कुछ और थी और अफसाना कुछ और बन गया है खुद बेयत भी उसी का शिकार हुआ है ये अमल भी बेत से आप रसूल बना नहीं सकते बेत से वो लिलम्र नहीं बना सकते रसूल जिसको अल्लाह ने बना दिया है विलायत दे दी है उसके साथ बेत कर सकते हो बेत से रसालत नहीं बननी बेत से इमाम नहीं बनना बेत इमाम बनाने के लिए नहीं है चूंकि बे में होता है देना और लेना आप जो दे रहे हो मस किसी को रसूल बना रहे हो तो क्या आपके पास है ये हक ये आपका काम है आपके पास है ये अख्तियार रसूल बनाना आप किसी को कह रहे हो जी कि आप मुझे इतने पैसे दे मैं आपको रसूल बनाता हूं ये कोई बंगीचर सी पागल तो कर सकता है ये मकबूतलहवास तो कर सकता है लेकिन एक साल में आदमी तो नहीं कर सकता ये काम एक होश वाला अकल वाला तो नहीं कर सकता मेरे पास है नहीं है ये इख्तियार जो चीज मेरे पास नहीं है मैं कैसे वो दे सकता हूं आपको इमाम इमामत आप बना सकते हैं ना अल्लाह का फर्माने इन्नी जा एलो का ला से इमाम हम बनाएंगे इमाम इन्ना जाम आइम्मा हमने इनको आइम्मा बनाया है इमाम बनाने वाले हम हैं इन्ना अरसल ना रसुलाना हम रसूल अरसाल करने वाले बस ये तो अल्लाह के हैं अल्लाह ने उनको इख्तियार दे दिए अल्लाह ने बनाना है अल्लाह ने इख्तियार देना है उसको अल्लाह इख्तियार दे, दे फिर मोमिनों की बारी आती है कि अब अल्लाह ने उसको दे दिया हिदायत उसको दे दी इख्तियार उसको दे दिया रास्ता उसको बता दिया हर चीज़ अल्लाह ने उसको अता कर दी अब मोमिनों का हक उसके पास है उस और मोमिन जाकर अब उसके साथ मामला करते हैं जिसको अल्लाह ने पहले से ये सब कुछ दे रखा है वरना वो मोमिन मोमिनों को कहता है कि आप मेरी इतात करें ठीक है हम आपकी इतात करते हैं आप हमें क्या देंगे वो ये कहता है कि मैं आपको हिदायत दूंगा खूब आपके पास है हिदायत हमें देने के लिए जिस चीज पर अहद कर रहे हो वो है तुम्हारे पास इसलिए कुरान करीम का फरमाना है कि कौन हिदायत करेगा लोगों को हिदायत याफ्ता होगा तो हिदायत करेगा लोगों को यहदी हक की तरफ कौन हिदायत करता है वो हिदायत करते जो खुद हिदायत याफ्ता हो न वो कि अमला मगर सुबह वो नहीं कर सकता कि जो खुद हिदायत याफ्ता ही नहीं है पहले खुद हिदायत ले फिर हिदायत देगा ये जो हिदायत याफ्ता ही नहीं है ये इसके साथ क्या करनी है आपने जो आप इसको देने जा रहे हो वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है जो उससे लेने जा रहे हो वो उसके अख्तियार में नहीं है तो ये तो ऐसा है कि दो जूठे दो कब्जा मसलन एक जमीन है किसी के पास ये पैसा किसी का दे रहा है वो जमीन किसी की दे रहा है इसको तो ये तो जुर्म कर रहे हो आप के लिए वो चीज तुमने देनी है जो तुम्हारे पास है वो है इतात वो है फरमनबरी वो है नफ्स अपना वो है वक्त अपना वो है सलाहियत अपनी ये कुछ तो अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ है लेकिन इमामत रसालत उलिलार बनाना हाकिम ये तो अल्लाह ने तुम्हें दिया ही नहीं है बेत करोगे तो फलां हाकिम बन जाएगा बैत से फलां हाकिम हो गया बेत से कैसे हाकिम हो गया बेत से हाकिम हो सकता है बेत उस हाकिम के साथ होती है जिसको हुकूमत अल्लाह ने दे दी हो अब आप उसके साथ जाके माह करने गए हो बेत इस चीज़ का नाम है मसल रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत करके ये क्या क्या, क्या यानी बेत तहत शजरा जिस पर अल्लाह राजी है ये रसूलुल्लाह को रसालत दे रहे हैं रसूलुल्लाह को इमामत दे रहे हैं रसूल्ला को विलायत मोमिन दे रहे हैं इस दरख्त के नीचे ना वो तो अल्लाह ने दिया हुआ है मोमिन क्या दे रहे हैं रसुल्ला को जान अपनी कोशिश अपनी वक्त अपना नफूस अपने ये रसुल्ला के सुपुर्द कर रहे हैं न कि बेत करके एक आम आदमी को मकाम रसालत पर बिठा रहे हैं जिस तरह रसूल को मकाम रसालत पर मोमिन नहीं बिठा सकते इसी तरह किसी आम आदमी को ओलेलामर की सीट पे नहीं बिठा सकते मोमिन नहीं बिठा सकते ये बहुत बुनियादी नुकता है कौन सी बेयत पे अल्लाह राजी है ना वो बेयत जो जुर्म समझी जाए बाद में हम कहें जी हमने इन्हें अपना ओलेलामर बना लिया वो आपको हक था ओलेलामर बनाने का किसने दिया यह हक आपको ये काम करोगे तो गलत ये तो किसी का प्लाट बेच रहे हो आप हाकी नहीं है तुम्हें बेयत उस वक्त लेन देन है आप वो चीज दो जो रखते हो खुद अपने पास वो चीज उस पर बेयत नहीं होती जो तुम रखते ही नहीं हो लेन देन है ना बे है बे यानी ये मेरे पास है ये मैं आपको दे रहा हूं अब आप जवाब मुझे क्या देंगे वो कहेंगे ये मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूं अब लोग ये कहेंगे कि हम आपको हाकिम बना रहे हैं अब आप क्या दे रहे हैं वो कहे मैं आपको हुकूमत दे रहा हूं और ये तो हमने दिए तुम्हें लोगों की चीज लोगों को पलटाएगा हाकिम हुकूमत अगर लोग दे हाकिम को हाकिम क्या देगा लोगों को हुकूमत हुकूमत अल्लाह ने देनी है हाकिम को लोगों ने इताअत देनी है हाकिम को जिस अमीरुल जिसरा अमीर उलमोमिन का नहजुल बलागा में फरमान है आप तो करवाए कहाँ मुसीबत है मुश्किल कहाँ है बहके कहाँ से हैं, कांटा कहाँ से चेंज हुआ है और फिर बैयत, बैयत, फिर बैयत से जब हाकिम बनने शुरू हुए तमाम बनुओं में या बैयत करवा के हाकिम बन गए ये गुमराही का दरवाजा खुल गया रसूलुल्लाह की बैत से हक़ का दरवाज़ा हिदायत का दरवाज़ा खुला लेकिन जब बैत का मफहूम ही बदल गया बैत का माना ही तब्दील हो गया और बैत बनोमैया के हाथ चली गई तो बनोमैया बैत करके मुआविया हाकिम बैत करके यजीद हाकिम बैत करके मरवान हाकिम बैत करके अल अभीफियान हाकिम बैत करा के आले मरवान हाकिम बैत करके अब्बास हाकम अब खिलाफत और हुकूमत बहुत आसान हो गई कहां से आती है लोगों की बेत से और लोगों से बेत कराना कौन सा मुश्किल काम है लोगों से बेहत कराना कोई मुश्किल काम तो नहीं है सीधे तरीके से करो जिस तरह मुआविया ने पूफा में खुतबा दिया था कि मैं नहीं आया हूं तुम्हें नमाजें पढ़ाने के लिए और रोजे रखवाने के लिए मैं तुम्हारी गर्दन का सरिया निकालने के लिए आया हूं चूंकि वालों की गर्दन में सरिया था उसने कहा मैं ये सरिया निकालने आया हूं तुम्हें मैं तुम्हें सीधा करने आया हूं और किया उसने फिर उनको सीधा बिल्कुल चुस्के तक नहीं मुआविया की हुकूमत में खुर नहीं हिलाया पांव नहीं हिलाया कान नहीं हिलाया ऐसे थे कल अदम बनकर जैसे गुफा में कोई रहता ही नहीं है ऐसा सरिया निकाला उसने इनका वैसे बड़े इनकलाबी बने हुए थे इमाम हसन के साथ कितनी बदतमीजी की इन्होंने मुआविया के साथ क्यों नहीं की वो सारी बदतमीजी जो इमाम हसन के साथ की हर रोज इमाम हसन को सताया छः माह की हुकूमत में छः सौ दफा इमाम हसन को रुलाया इन खूफियों ने मुआविया ने बीस साल इन पर हुकूमत की एक दिन भी मुआविया के खिलाफ कुछ भी नहीं किया एक दिन भी ऐसे बिल्कुल खामोश बेयत हर 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 करो हाकिम बनो बेयत करो हाकिम बनो बेयत करो हाकिम बनो बेयत कराई उन्होंने पैसे दे के बेयत करा ली डंडे मार बेयत कर ली कोड़े मरवा के बेयत कर ली जेलों में डाल के बेत करवा ली और गुमराह करके प्रापोगंडा करके बेयत करवा ली ये तो नहीं थी बेयत अजीज मन बेयत ये थी कि उधर से अल्लाह ने बनाया है इधर से तुम तो मोमिन हो तुम भी अल्लाह के सामने वो भी अल्लाह की जानब से मोमिन अल्लाह पे मोमिन है मोमिन बिल्ला है और वो हाकिम मिन अल्लाह है इन दोनों की बेयत बनती है आपस में कि मोमिन ने उसको हाकिम नहीं बनाना ना हक है मोमिन को मोमिन ने बेयत करके यानी अपनी इतात बेचनी है उसको उससे उसने हिदायत खरीदनी है उससे हक खरीदना है उससे दुरुस्त रास्ता खरीदना है उससे निजात खरीदनी है उससे जन्नत खरीदनी है ये बेयत का मफहम है ये बेयत है सुन्नत खुदा इस बेयत से गनीमतों के दर खुलते हैं इस बेयत से फतेह मुबीन शुरू होती है इस बैत से खैबर के दरवाजे खुलते हैं इस खैबर से मक्का मक्कात होता है इस बैत से फिर आगे हक के लिए रास्ता खुल जाता है ये जो काम किया है तुमने आज इस दरख्त के नीचे इससे अल्लाह राजी है तुम्हारे से ये जो तुमने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह के दे दिया कि हुजूर जो आप कहें मरने के लिए तैयार है मरने के लिए तैयार है आप कहें चुप रहें चुप रहने के लिए तैयार हैं आप कहें मक्का जाने मक्का जाने के लिए तैयार आप है आपके वापस मदीना जाने मदीना जाने के लिए तैयार है बेच दिया हमने सब कुछ अपने आप को आपके सामने क्योंकि हमें यकीन है कि आपने हमें निजात देनी है हक आपके पास है निजात आपके पास है और मोमिन इस काम से अल्लाह को राजी कर सकता है मोमिन चालाकी करके मोमिन अभी आज अब एक सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो गया ना कि अहल बैत के मुकाबले में अब वो हर मुनासबत को ज़िंदा करना हर चीज़ को ये एक जिदबाजी है जो शुरू हुई हुई है आज अखबार में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा दिलचस्प था पढ़ा एक सहाबी के बारे में रसोल्ला के एक सहाबी के बारे में बहुत नामवर साहबी और मरूफ़ साहबी और बड़े तेज़ तरार साहबी मरबन आस अमरबन आस मशहूर शख्सियत फाति मिस्र और मुशाविर एडवाइजर मुआविया के और बनोम के निजाम बनाने वाले असल इंजीनियर और जो आर्टिकल का उनवान लिखा हुआ था बहुत अच्छा था वो तारीखी नाम भी यही है और यही जानना बहुत जरूरी है उनका उनवान लिखा हुआ था दाहियतुलरब दाहियातुलरब आर्टिकल लिखने वाले ने उसका माना किया हुआ था कि अरब का जहीन तरीन आदमी ना अरब का मतलब होता है चालाक चालाक आदमी मकारी करने वाला आदमी ये दाहिया का मतलब है लगत देखें जाकर दाहियतुल अरब चालाक तरीन इंसान मकार तरीन इंसान ये उस लफ्ज़ का माना है जहर अकीदत का था वो अकीदतमंदी का इजहार था लेकिन मैं उस तर्जमे का कह रहा हूँ कि तर्जमा चालाक बनता है जहीन नहीं बनता अमीरुल उलमन का खुतबा भी है ना बलागा में कि अगर खौफ खुदा ना हो तकवा ना हो तो दुनिया को पता चल जाए कि मन अदह नास चालाक कौन है ज्यादा मुआविया ज्यादा चालाक है या मैं ज्यादा चालाक हूँ अगर तकवा बीच में रुकावट ना हो अमीरमिन फर मैं गबी बेवकूफ़ नहीं हूँ सब कुछ समझता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी तकवा है उनके यहाँ तकवा कोई ऐसी मजबूरी नहीं है दाहियतुल अरब वाकई उनकी शोहरत उस साहबी का लकब था चालाक तरीन आदमी अजीज़ा निमान मोमिन चालाकी से अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता मोमिन खुदा से बहुत कुछ लेके ये भी बटोर लिया वो भी बटोर लिया ये भी बटोर लिया अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता मोमिन अल्लाह को कुछ दे के राज़ी कर सकता है बैत में बैत रजवान में मोमिनों ने दिया रसूलुल्लाह को इससे अल्लाह राजी हुआ यह दर हकीकत रमज है इस्लाम की सुन्नत खुदा है और इस सुन्नत खुदा से फते मुबीन रास्ते सारे खुलते हैं लेकिन जब इंसान अब आप तवज्जो करें ये जो एक नुक्ता चूंकि एक और बात है कि इंतब बाज़ लोग कहते हैं ये इंतखबा भी मसून बेत ही होती है एक तरह की खूब अगर बेत है तो आप क्या कर रहे हो इन इंतखबा के जरिए से किसकी बेत कर रहे हो आप इमाम हुसैन असलाम से यजीद बेत मांग रहा था यानी क्या मांग रहा था कि हुसैन बेच दो मुझे मेरे हाथ पर अपनी जान अपना खून अपनी औलाद अपना इख्तियार अपनी सलाहियतें जो कुछ आपके पास है जिस तरह दूसरों ने मुझे बेच दिया है आप भी बेच दो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमाए थे मिसली ला मिसले मुझ जैसा इस जैसे को बेच दे अब अब्बास लोग हैं तो दावा तो रखते हैं कि हम हुसैनी हैं अब हुसैनी हो तो बेच क्या रहे हो अपना ये किसको बेच रहे हो आप किसके कि सामने जाकर फरोख्त कर रहे हो सब कुछ ये है रमज ये बस वसी है बहुत बैत और चूंकि असल आकर यह सुन्नत अब जामे होकर उस असल निज़ाम के ऊपर आ गई है ये वो सुन्नत है बेत जिससे निज़ाम अलाही क़ायम होता है कब जब अल्लाह के बनाए हुए उमर के हाथ पर मोमिन आकर बेत करें फिर फत के दरवाजे खुलते हैं फिर निज़ाम दीन क़ायम होता आप तवज्जो करेंगे बैत से ही सारा आगाज हुआ रसूलुल्लाह वसल्लम के हाथ पर ओस व खजरज ने जाकर दो, दो दफा बैत की मक्का में मक्त अकबा के नाम से मारूफ है अकबा अव्वल व अकबा सानी बैत अल बैतू दो, दो दफा जाकर एक दफा दस बारह आदमी थे जाहिर उन्होंने दूसरी दफा कोई सत्तर अस्सी आदमियों ने जाकर बैत की बेत की तो रसुल्ला ने उनसे बेत ली कुरान करीम में भी है औरतों से बेत लें मर्दों से मुमनिन से किसके बदले में बेत लें इन लोगों ने जाकर रसुल्ला के हाथ पर बेत की तो फिर मदीने का रास्ता खुला इस बेत से रास्ता खुला और वो कायम रहे आखिर तक उस बैत पर जो कुछ रसोल्ला को दे दिया उस पर कायम रहे और रसुल्ला ने भी जो उनसे अहद किया हुआ था उस बैत के अंदर कि आपने ये इतात मुझे देनी है मैंने हिदायत आपको देनी है रसुल्ला भी उस उसद पर कायम रहे इसलिए फिक ये कहते हैं कि बैत अकद लाजिम है यानी न टूटने वाला फसक न होने वाला एक तरफा ख़त्म नहीं किया जा सकता ये नहीं तोड़ा जा सकता इसलिए नाकसी ने बैत अमीरमोमिन ने एक तबका बताया नहीं कि बैत करके तोड़ दी इन्होंने और कुरान कुरान के अंदर है बैत तोड़ने वाले कितने बड़े मुजरिम होते हैं सारा जो उकदा खुला बंद रास्ते खुले गुशाइश अल्लाह ने दी इसी बैत की बरकत से सब कुछ हुआ बैत रिजवान बैत अकबा से मदीना में रास्ता खुला रियासत कायम हो गई और बैत रजवान से मक्का का रास्ता खुल गया बैत रजवान से खैबर का रास्ता खुल गया और फिर बैत रजवान से आगे बहुत सारे रास्ते मुमनिन के लिए खुल गए ये एक कदम मुमिन ने उठाया बैत हाकिम बनाने के लिए नहीं है हाकिम के पास जाकर अहद करने के लिए हाकिम अल्लाह ने बनाना है जब तक ये रमज मोमिन नहीं जानते अल्लाह को राजी नहीं कर सकते अल्लाह राशन से राजी नहीं होगा तुमसे तो खुद खाओ या दूसरों को खिलाओ दे पका पका के भले उसका अजर दुनिया में ही मिल जाएगा आपको आपने लोगों को राशन खिलाया अल्लाह ने इधर ही आपकी तख्ती लगवा दी हाजी साहब राशन देने वाले हो गई ना शोरत खबरों में नाम आ गया चर्चा आ गया आपका तस्वीर आ गई थैला दे रहे हो साबुनदानी दे रहे हो कोरोना के दिनों में लोगों को बस अजर भी नकद मिल गया तुम्हें उसी तस्वीर में जिस तस्वीर में तुमने थैली दी उसी तस्वीर में अजर भी अल्लाह ने सवाब भी तुम्हें दे दिया इससे ज्यादा तो कहीं नहीं है और आगे जो रास्ते खुलने हैं वो इस बैत से खुलने हैं तश्कीली उम्म यहां से पानी है ये भूल गए मुसलमान फिक्र तो पढ़ ली ये भूल गए ये रास्ता भूल गए इमाम सादे के पास दर्श पढ़ गए बैत भूल गए चार हज़ार दर्श पढ़ के मुलाजमतें ले ली बेत करना भूल गए और जब बैत को नंदगान ढूंढने लगे इमाम तो कहा कि ये सत्रह बकरी के बच, बच्चों जितने भी बैत को नंदगान नहीं हैं किधर गए वो चार हज़ार सारे मुंतशिर होके वो कोई अपने मसलक का इमाम है कोई अपने सिलसिले का रहबर है पीर है मुर्शिद है कोई हुकूमत का काजी अल्कज़ात है कोई फलाँ है कोई अतालीक है कोई मुंशी है कोई क्या है सब के सब रोजगार में फ़खरिया तौर पर इमाम सादिक के शागिर्द थे लेकिन बेत करना भूल गए और यही हमेशा रहा फिर आज भी इमाम आ जाए आज भी हम करबला जा रहे हैं बेत करना भूले हुए हैं वोट देने से पहले करबला वोट दे के फिर करबला वोट में जीतने के लिए करबला इमाम असर किसके मंतज़र हैं बैत के बत्तियां तो तुम काफी जला चुके हो अगरबत्तियां तुमने खत्म कर दी हैं मार्केटों से लेकिन कामयाबी से खुलनी है। खुदा से है खुदा ये रास्ते खुलने हैं ये राज है ये रमज है और आज किया था कि यहां सिर्फ इशारा हुआ इस बास की तरफ इसको इंशाल्लाह किसी और मुनासबत में अलाहिदा से सुनन के बास के हट कर इस बात को भी बयान करने की ज़रूरत है चूंकि यही बुनियादी सुन्नत है इसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुन्नत अल्लाह ही अल्लादलत मिन कबल वलनताज अल सुन्नत तबदीला ये सुन्नत खुदा है अगर मोमिन यह सुन्नत इख्तियार कर करें फिर कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता मुकाबला वो अमरीका हो इसराइल हो मोदी हो कोई भी हो इस राह पर चलने वाले मोमिनों का कोई मुकाबला नहीं कर जो आएगा इनके मुकाबले में पीठ दिखा के भाग जाएगा लेकिन अगर मोमिनों ने यह छोड़ दिया और बाकी सारे काम करने लगे फिर मोमिन हमेशा पीठ दुबा के भागेंगे फिर इनका सीना कोई नहीं देखेगा सारे पीठ ही देखेंगे इनकी हर जगह पर अगर उससे निकलना है उस हालत से यह सुन्नत अहिया करनी है कि अल्लाह हमें इन सुनन को समझने की इन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जो वादे हैं अल्लाह ताला के कि अगर तुम इन सुनन को कायम करो अल्लाह ताला तुम्हें इमामत व वरासत ज़मीन अता करेगा वो सारे वादे अल्लाह के इसी मशरूत हैं और ख़ुदा ये सब तोफ़ीक सब मोमिनों को इन अत़ा फरमाए ज़ाहिरन आज आखिरी दिन था मुबारक रमज़ान का वाले यहाँ इन्होंने जो इतला दिया है कि इंडिया बांग्लादेश मशरक़ वस्ता तुर्की मराकिश अफगानिस्तान ईरान इराक़ मलेशिया मिस्र कोत श्रीलंका मुनीबर्रहमान यानी पाकिस्तान इंडिया में नहीं इंडिया में नहीं है इंडिया में नहीं हुआ इन में हो गया है साथ ही एक नोट इधर लिखा हुआ है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने यह कहा है कि साजिद नकवी साहब ने को शहादतें कबूल नहीं हैं साद नकवी साहब ने इख्लाफ किया है अभी तक ऐलान नहीं किया है शिया ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया है लोग परेशान हैं खूब अगर मुफ्ती मुनीफ साहब ना भी करते ये तो अच्छा किया उन्होंने कर दिया है कुछ अपनी साख बचा ली है उन्होंने हकीकाता यही था कि ये चांद आज साबित है सौ फीसद साबित था चांद आज इन्हीं ममालिका जिक्र किया गया है इलमी असूलों के मुताबिक पाकिस्तान के उफुक पर चांद मौजूद था और चाँद सूरज के गुरूब के बाद तकरीबन 40 मिनट तक रहना था पंजाब के अफक पर और तकरीबन 80-90 मिनट तक कराची के अफक पर चाँद ने बाकी रहना था और इतनी देर में चाँद बग़ैर दूरबीन के देखा जा सकता है ये तय था दूसरा मुमनिन भी परेशान ना हो कि रहबर मुअज़्ज़म का फतवा दीगर उलमा का फतवा ये है कि अगर एक अफुक पर मौजूद किसी जगह भी चाँद नज़र आ जाए तो उस उफुक के दीगर जो करीब हम उफक लोग हैं ममालिक हैं उन सब में चाँद है रहबर मुअज़्ज़म का बाकायदा तहरीरी हुक्म आया है जो हमारे पास मौजूद है अगर यह होता मैं पढ़ के आपको सुना देता जिसमें उन तमाम का लिखा गया है कि इन ममालिक में से किसी में भी चांद अगर साबित हो जाए तो इस पूरे ख़ते के लिए ईद होगी साबित हो जाएगी और उनको ईद करनी होगी क्योंकि ईद साबित है फिकी मबानी और भी हैं ओलम के जो रहबर मज़म से भी ज़्यादा वसी फ़तवा है उनका कि उनका तो ये है कि अगर किसी और जगह भी चाँद नज़र आ गया तो भी ईद हो जाती है और साबित हो जाती है लिहाजा फ़िकी मबानी के मुताबिक भी ईद है पाकिस्तान में और तबरीक व तहनीत भी हम अर्ज़ करते हैं और अल्लाह ताली की बारगाह में दो आगो हैं कि इन इन माह मुबारक के अमाल साल ममिन ने जो किए हैं कबूल फ़रमाए और जो कोताही कमी हमसे रह गई अल्लाह ताली मक़फ़रत फरमाए इन और परवरदार इस माह मुबारक के सद के इस वबा से सारी बशरीत को निजात फरमाए इतमीन के साथ तमाम ममिन ईद करें वो इस वक्त जो मराज करम मौजूद हैं उनमें से तकरीबा तमाम मराजे के मुताबिक ईद साबित है उनके फ़िकी मबानी के मुताबिक मैं कह रहा हूँ उनके दफ्तर वाले क्या ऐलान करते हैं वो दफ्तरों से कन्फर्म कर लें लेकिन जिस तरह पहले आ, इशारा किया था कि चांद साबित होना मर तकलीद की ज़रूरत नहीं है चांद साबित होने के लिए ये अलबतः तकलीदी मसला है कि चांद किस जगह साबित हो और किस दूसरी जगह पर साबित हो जाता है इसमें फ़िक ये फ़िकी पहलू है लेकिन उस एतबार से मराजे के फतवा उमूत रखते हैं अक्सर मराजे के सिर्फ़ एक एक मरजा तकलीद हैं जिनके मुताबिक नहीं होगी आपकी ईद अगर ख़ुद आपके मुल्क में अगर नहीं नज़र आया तो नहीं होगी वो आयतुल्ला नूरी हमदानी हैं मौजूदा मराजे में से इनके फतवा के, के मुताबिक नहीं होगी बाकी तमाम मराजे के फतवा के मुताबिक जहाँ जहाँ साबित हो गया है आपके लिए भी अगर पाकिस्तान में नहीं भी हुआ साबित तो भी साबित हो जाता है ज़रूरी नहीं कि यहाँ साबित हो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने भी साबित कर दिया है तो कन्फर्म है चांद मुफ्ती साहब ना भी ऐलान करते तो भी कन्फ़र्म था चांद और ममिन मतम होकर ईद करें ईद का रोज़ा रखना हराम है जुर्म है मासीयत है गुनाह है ईद का रोज़ा रखना ये तदयन और तकवा नहीं है कि कबू शहादत नहीं है फरन फर्दन तो शहादत नहीं होती है हर एक के पास ये एक अमूमी जावता है फुकाहा के फतवा के मुताबिक और तमाम के ममालिकी दुनिया में सबित है ये चाँद और इलमी असूलों से कन्फर्म था यानी चाँद रोयत वाला चाँद पाकिस्तान में मौजूद था पंजाब के शहरों में और कराची में बिलखसूस चूँकि कराची ज़रा इंतहा पे आ जाता है उफु के लिहाज से बाद में वहाँ पर मगरब होती है तो चांद ज़्यादा देर जो जहर नवे मिनट के दौरानिया था सूरज गरूब होने के बाद चांद का वहाँ पर अब भी अगर किसी को नहीं नज़र आया तो वह अंधा हो सकता है जिसको सूरज के बाद डेढ़ घंटा चांद रहे आसमान पर और नज़र ना आए अस्सी या नवे अब मेरे जहन में नहीं है दकीकन जैसा उसमें उनके हिसाब में लिखा हुआ था लेकिन कन्फर्म कर सकते हैं कि कराची में ज़्यादा वाज़े इमकान था चांद का और तमाम अरब ममालिक में साबित है इसलिए ईद का रोज़ा हराम है ये जो तशवीशें पैदा की जाती हैं इनकी तरफ इतना ध्यान न दें इन कल ईद है और ख़ुदा मुबारक करें इनशा इस ईद को तमाम मुसलिम के लिए तमाम बशरीत के लिए और तमाम उन मज़लूम उम्मतों के लिए जो माह रमज़ान में भी स्तम का शिकार रहे हैं अल्लाह ताली इन शह इस नूरानी दिन के बदले उनको निजात आता फरमाएं इन शवालत भी थे एक दो लेकिन अब ईद की खुशी हो गई है लोगों को तो ना ख़राब करें ईद का उनका मज़ा बाकी बाद में इनशा सला महमदिन नमाज ईद कल यहाँ इनशा साढ़े छः बजे मस्जिद बैतलती में होगी ममिन जितनी गुंजाइश है फासलों के साथ उतना ही इन शशरीफ़ लाएं ज्यादा घरों में भी पढ़ सकते हैं नमाज ईद शिया के लिए ज़्यादा सहूलतें हैं दुआ दें बुज़ुर्गों को कि आपके लिए जुम्मा भी उन्होंने छूट दी हुई है ईद की भी छूट दी हुई है सब की तो नमाज ईद घरों में भी पढ़ सकते हैं फुरादा भी पढ़ सकते हैं घर के अंदर आप वल्ह महमदिन तबीन ताह